अरे बताओ ना हे भगवान चलो तो एक शांतम पापम सबसे पहला मैंने भेजा था आपको पॉल्यूशन के बारे में ठीक है जिसको हम लोग कहते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा बताओ पर्यावरणीय प्रदूषण जितने भी इसमें वर्जन से है पॉल्यूशन के वो सब बहुत डिटेल्ड में यहां पर दिए हुए हैं ठीक है थीके? एक दूसरा क्या भेजा था जोर से बोलो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पर्यावरणीय संगठन अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन पर्सनस पर्सनैलिटीज काफी कुछ दिया हुआ था एंड द थर्ड वन इज एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन हिंदी में क्या हो जाएगा कोई बताइए पर्यावरणीय पर्यावरणीय है? है ये आप लोग दिन भर पढ़ते रहते हो सेपरेशन ऑफ पावर सेपरेशन ऑफ पावर पता ही नहीं मतलब हिंदी में क्या होता है विधान क्या हाँ विधान मतलब होता है नियम कानून ठीक है जो विधान बनाता है उसको क्या बोलते हैं विधायिका जैसे विधानसभा पार्लियामेंट विधान विधायिका लिख दिया देखो मैंने पर्यावरणीय विधान यानी कि नियम कानून ठीक है ये तीन भेजे थे इसके अलावा इससे पहले हम लोग जो कर चुके हैं ऑलरेडी उसमें एक कर चुके हैं इकोलॉजी है ना दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कर चुके हैं इकोसिस्टम सिस्टम और तीसरा सिटी एनवायरमेंट तो इसी का ही इंट्रोडक्शन है यानी कि जैव विविधता या जैविक विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ठीक है तो मोटा मोटा ये शुरुआती ये अपने आप में सारा एक यूनिट है एक तरीके से ठीक है क्योंकि सब चीजें आपस में क्या है जुड़ी हुई है इसके ऊपर जो पूरा अच्छा खासा कंटेंट है वो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है पहले ही कहां पे मिला हुआ है बायोलॉजी ठीक है तो वो आपने पढ़ाई होगा ऐसा मान के मैं चल रहा हूं इसी प्रकार ये जो अभी हमने किया है पीछे हम जो पढ़ रहे हैं पिछले कई दिनों से पॉल्यूशन क्या है अलग अलग संस्थाएं कौन सी हैं अलग अलग कन्वेंशन कौन से हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने यू के बारे में पढ़ा यू के बारे में पढ़ा है ना ये सारा कंटेंट आपको मिला है लेकिन खाली कंटेंट मिलने से काम होने वाला नहीं है इस पर एक समझ डेवलप आपको खुद से करनी पड़ेगी तो जब पढ़ेंगे तभी समझ डेवलप होगी ठीक है कोई कंफ्यूजन यहां तक तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जो पूरा सब्जेक्ट है हमारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इकोलॉजी वाला पोर्शन आपका ये वाला हो गया इस तरफ ठीक है अब इसके अंदर भी जो इकोलॉजी है और इकोसिस्टम है इस पर क्वेश्चन आते हैं ट्रेडिशनल क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये फिक्स है बदलने वाली नहीं है इकोलॉजी की डेफिनेशन बदलेगी तो नहीं वो फिक्स हो गई है इको क्या है ये हमको पता है है ना इको के टाइप्स क्या है ये हमको पता है पहले से ही इंडिया में कौन से प्रकार के इको हमको पता है पहले से ही तो ये सारा हो गया बायोडाइवर्सिटी इसके अंदर दोनों तरह के सवाल आते हैं कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं और करंट में भी खूब ज्यादा आते हैं क्योंकि इस पर बदलाव होते रहते हैं कोई बायोडाइवर्सिटी है कहीं पर खत्म होने वाली है उसकी संख्या बहुत कम हो गई है या उसका हमने संरक्षण कर लिया है या संरक्षण के लिए कोई नया नियम कानून बना लिया गया है ठीक है तो उस पर सवाल तुरंत बन जाएगा जैसे अभी कल मैं देख रहा था एक डिस्कशन चला किस कारण से चला मैं पढ़ नहीं पाया मैं एकदम नोटिफिकेशन आया था देखा था मैंने ब्लू फ्लैग ब्लू फ्लैग आइडेंटिटी या ब्लू फ्लैग ये शब्द सुने आप लोगों ने नीला झंडा ब्लू फ्लैग अभी ये कल डिस्कशन में था तो ब्लू फ्लैग क्या होता है तो जो हमारे बीचेज है जो हमारे तट हैं ठीक है तो ऐसे तट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत साफ सुथरे हैं अभी उनको ब्लू फ्लैग का टैग दिया जाता है जैसे आप लोगों ने जी टैग के बारे में सुना होगा फुल फॉर्म क्या था जी जीआई का जोग्राफिकल आइडेंटिटी भौगोलिक पहचान जीआई प्रोडक्ट होते हैं बनारसी साड़ी है ना तो वो जी टैग हो गया वो ठीक है कहा किसी भी स्थान का जो चीज फेमस है और अगर वो खाली वहीं पर अच्छी मिलती है तो उसने पेटेंट जैसा ले लिया एक तरीके से वहां की सरकार ने वो जिले का भी हो सकता है किसी स्टेट का भी हो सकता है पूरे देश का भी बासमती चावल तिरुपति के लड्डू ठीक है ना ऐसे दर्जनों सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को जीआई टैग मिला है तो ऐसे ही भारत में जो प्रमुख ऐसे बीचेज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत साफ सुथरे हैं इकोसिस्टम के लिए बहुत योगदान करते हैं उनको ब्लू फ्लैग का टैग दिया जाता है ठीक है समझ में आई बात भारत में से बारह चीज है ठीक है कल डिस्कशन में देखा मैंने अब ये करंट में चीजें आती रहती हैं ब्लू फ्लैग किससे जुड़ा हुआ है इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, है। यानी कि वहां पर ओवरऑल मरीन इकोसिस्टम की बात की जाएगी जलीय पारितंत्र की बात की जा रही है वहां पर लैंड बहुत अच्छा है वहां पर सैंड बहुत अच्छी है वहां बीच बहुत अच्छा है उस बीच पर रहने वाले जितने भी वहां पर डिपेंडेंट वेजिटेशन है यानी कि वनस्पति या फिर जंतु हैं वो बहुत बड़ी संख्या के अंदर पाए जा रहे होंगे ये सारा हो गया ब्लू फ्लैग तो ये छोटे छोटे टर्म्स जब डिस्कशन में कभी भी किसी भी कारण से करंट में आएंगे तो आपको तुरंत यहां पर पढ़ लेना होगा समझ में आई बात ठीक है तो एक ये हमारा यूनिट पूरा हो गया इकोलॉजी वाला इसमें डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट उसके कंपोनेंट्स उसके टाइप्स इकोसिस्टम उनके कंपोनेंट्स उसके टाइप्स उसको मेजर करने का तरीका इकोलॉजिकल पिरामिड सब चीज़ें आ जा रही हैं बायोडाइवर्सिटी उनके प्रकार उनके टाइप्स जो हम लोगों ने अल्फा बीटा गामा पढ़ा था उनकी मैपिंग वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा ये अपने आप में पूरी एक यूनिट है जो आपको यहाँ पर बहुत डिटेल्ड में दी हुई है अगर वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक है फिर हमने बात शुरू की थी इसके बारे में यहाँ से हमने जंप किया था इसके ऊपर इसमें हमने कुछ नियम कानूनों की बात भी की थी भारत में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट उन्नीस मैंने बोला था अम्बरेला एक्ट है अपने आप में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो ऐसे अलग अलग कानून है संस्थाएं हैं कन्वेंशन हैं अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं हमने बहुत सारी संधियों के बारे में लिखा हुआ है अर्थ समिट के बारे में लिखा था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखा था हाँ जी बेसल कन्वेंशन के बारे में ऐसे बहुत सारे अलग लिखे हुए तो हम अभी ये जो दो टॉपिक है ये वाला और ये वाला ठीक है ये बहुत डिटेल्ड में जो मैंने आपको दोनों नोट्स दिए हैं उसके अंदर दिया हुआ है हम तो पढ़ ही रहे हैं जहां जहां पे डिस्कशन में आ रहा है मैं साथ साथ पैरल मेंशन करवा दे रहा हूं पर वहां पर बहुत डिटेल में ध्यान से आपको पढ़ना है उसको चोड़े चोड़े मैं छोटे छोटे जो चीज़ें होती हूँ मैं क्लॉज है एकदम ही लिखवा रहा हूँ मैं ज़रूरत भी नहीं है उसकी लेकिन आपको पढ़ने से समझ डेवलप हो जाएगी उस चीज़ को लेकर के कोई कानून काम कैसे करता है ठीक है कुछ कानूनों पर आपको खुद भी समझ डेवलप करनी चाहिए वो तो बहुत बेसिक कानून होते हैं स्पेशली पेपर फोर के पेपर फोर देखा है आप लोगों ने सिलेबस देखा है उसका पेपर फोर का क्या नाम है उस पेपर का क्या नाम है अरे कोई तो बताओ हम्म और आगे हाँ पूरा नाम बताओ एथिंग तो खाली पहला शब्द है हाँ नहीं गलत हो गया ठीक है अब ये बच्चों वाली बात कर रहे हैं कोई बात नहीं ठीक है पेपर का नाम नहीं रहता सिलेबस तो क्या ही पता होगा आप लोगों को गलत बात है ठीक है देखिए सिलेबस मैंने पहले ही बार बार कहा है कि आपके माथे पे चिपका होना चाहिए मेन्यू कार्ड की तरह कभी देखा है वेटर को किसी होटल में जाओ आप बोलो भाई क्या क्या है आज खाने में वो बोलना शुरू करता है ठीक है वो दस मिनट तक बोल सकता है लगातार वो बोल सकता है ना खाली पनीर की बिसाइटम बता देगा आपको वो तो आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए उसी तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि अगर रात मारे रात में सोते हुए जोर से आपको सिलेबस तो आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू प्रीलिम्स के अंदर दो पेपर ठीक है समझ में आ रही बात ठीक है तो पेपर फोर भी है वहां पर ही बहुत सारे कानूनों के जिक्र आता है जो आपको सहज रूप से पता हो ये एक्सपेक्ट किया है जैसे आर एक्ट है है ना सुना ना हम आई टी एक्ट का बच्चों बच्चों को पता होता है उसके बारे में जो थोड़ा बहुत भी अवेयर है उनको पता है उसके बारे में आई टी क्या होता है गली गली के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो छोटे से पत्रकार हैं वो एक्ट आई लगाते हैं एक सामान्य आदमी भी एक आई के थ्रू किसी एमएलए को हिलाने की पावर रखता है देखा होगा आप लोगों ने ठीक है ना जो पब्लिक सर्व, सर्वेंट्स होते हैं उनको हिला देते हैं वो एक दस रुपए की आई के माध्यम से तो ऐसे बहुत छोटे छोटे जो कानून है उनके बारे में जानकारी आपको होनी ही चाहिए जो नॉर्मली डिस्कशन में रहते हैं अखबारों में इनके बारे में आता रहता है नोटबुक्स के आगे पीछे के पेजेज पर उनके बारे में लिखा हुआ होता है सूचना का अधिकार क्या क्या है आपका है ना सिटीजन चार्टर सरकारी दफ्तर में कहीं भी जाओ वहां पर लगा होता है लिखा हुआ सिटीजन चार्टर ठीक है तो ऐसे ही यहां पर भी कुछ कानून हैं जो बहुत जनरल डिस्कशन में आते रहते हैं पॉल्यूशन पे तो अक्सर होता है जब भी पॉल्यूशन बढ़ता है तो अखबार में बाकायदा छप करके आता है कि सब बिल्डर्स को निर्देश दिया जाए काम बंद कर दिया जाए देखा तो होगा ना आप लोगों ने अखबार में सरकारी ऐड आती है अब थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे तो आपको चार बातें पता लग जाएंगी कौन सा कानून है ये इस कानून के अंतर्गत का, क्या क्या प्रोविजन किया गया क्या प्रावधान किया गया है ठीक है समझ में आई मेरी बातें तो ये दोनों ही चैप्टर बहुत ध्यान से आपको करना है संगठन वाला भी और लेजिस्लेशन वाले भी लेजिस्लेशन जो होगा वो खाली इंडिया का हो सकता है ठीक है ना अंतरनेशनल कोई हो नहीं सकता हाँ इंटरनेशनल क्या होगा कन्वेंशन होगा ट्रीटी होगी एग्रीमेंट्स होंगे ठीक है संगठन इंडिया का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है इंटरनेशनल भी हो जाएगा और नेशनल भी हो जाएगा यहाँ संगठन के साथ में अलग अलग पर्सनैलिटीज भी हो सकती हैं व्यक्ति भी हो सकते हैं ठीक है आपकी जो ये वाली किताब है यहाँ भी बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में दिया हुआ था ठीक है डॉक्टर सलीम अली हो गए डॉक्टर रामदेव मिश्रा हो गए ये नाम दिए हुए उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा तो ठीक है ना तो ये हो गया प्रदूषण हम लोग कर रहे थे कहाँ तक पहुंचे थे बताइए पॉल्यूशन में ई वेस्ट हो गया था मैंने कुछ आपको नियम कानून भी बताए थे ई वेस्ट के बारे में ठीक है हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट पर बिल्कुल ठीक बात है अभी जो जी ट्वेंटी संपन्न हुआ है तो जी ट्वेंटी के अंदर सब चीजों पर डिस्कशन हुआ था उसके अंदर चाहे वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो बिजनेस हो सोसाइटी हो कल्चर हो सब पे डिस्कशन हुआ था ठीक है तो उसमें जो डिस्कशन हुए थे एनवायरनमेंट को लेकर के जो डिस्कशन हुए थे क्लाइमेट चेंज को लेकर के उस पर आपको जानकारी ले लेनी वैसे तो ओवरऑल जानकारी होनी चाहिए वो सारी काम की यू पी एस सी वो सिलेबस है आपका जी ट्वेंटी अपने आप में एक तरीके से ठीक है लेकिन इन जनरल जो चर्चाएं आती रहती हैं वहाँ से आप देख लेंगे तो काम आपका हो जाएगा इसी प्रकार अभी बजट आया है है ना कितने दिनों के बजट आए हुए बारह दिन हो गए ठीक है कब आया था इकतीस एक तारीख को आया था तो एक फरवरी को बारह दिन हो गए अब उसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स के बारे में चर्चा थी जैसे रूफ टॉप सोलर स्कीम है ना जिसको सूर्योदय योजना का नाम दिया गया अब उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कौन उसको चलाएगा ये आपको पता होना चाहिए नहीं पता होगा सवाल उसके ऊपर आ जाएगा सूर्योदय योजना से आप क्या समझते हैं या उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए चार स्टेटमेंट दे देगा उसके बाद उनमें से कोई सही गलत होगा वो आपको वहाँ से चूज करना होगा आपको ऑप्ट करना होगा ठीक है तो ये करंट वाला बहुत ध्यान से देखते रहिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रदूषण में अगर कुछ और लगता है कुछ करना है तो कर लेते हैं वरना फिर हम प्रदूषण के एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ेंगे उसका एक्सट्रीम लेवल क्या होता है प्रदूषण का जी डिजास्टर हाँ वो तो उसका फाइनल रिजल्ट होता है हाँ हाँ वही क्या होगा एक्सट्रीम लेवल अगर उसको एक शब्द में बोलना हो तो ओवरऑल जो इन्वामेंटल पोल्यूशन है उसका एक्सट्रीम लेवल क्या होता है हाँ इम्पैक्ट कह लो उसको आप क्या होता है एंड ऑफ लाइफ ज़्यादा आगे चलेगा यार चलो जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं अल्टीमेटली वो क्या है अलग अलग एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है यानी कि जो जनरल सिचुएशन होनी चाहिए थी एनवायरमेंट की वो किसी भी कारण से अगर उसमें जो बदलाव आ रहा है जो वो ख़राब हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु के अंदर परिवर्तन हो रहा है जलवायु मतलब क्या होगा तो ओवरऑल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अंदर बदलाव आ रहा है वो बदलाव कैसा भी हो सकता है चाहे बहुत ठंड पड़ने लगे चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे सूखा हो जाए बारिश हो जाए वो दोनों ही क्लाइमेट चेंज है ठीक है ना ए दोनों काम करता है वो ठंडा भी करता है गर्म भी करता है लोग नॉर्मली ए को ठंडा करना ऐसा मानते हैं उसका नाम क्या होता है एयर कंडीशनर यानी कि एयर को आपके हिसाब से जो कंडीशनिंग कर दे एयर की आपके अकॉर्डिंगली कर दे वो अलग बात है कि लोग सर्दियों में चलाते है नहीं है ए क्योंकि 90 परसेंट ए जो बने हुए हैं ठंडा करने के लिए बने होते हैं पर वो दोनों काम कर सकता है जैसे गाड़ियों के अंदर होता है सेम ए सर्दियों के अंदर आपको हीट ही प्रोवाइड करता है वो तो सेम ऐसे ही क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्सट्रीम इंपैक्ट है किसका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का अलग अलग तरह के पॉल्यूशन का जो एक्सट्रीम है वो क्लाइमेट चेंज है ठीक है चलो अब बोलो कौन कौन से हमने कर लिए हैं और कोई कंफ्यूजन है किसी पॉल्यूशन को लेकर के तो जो बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं यहाँ क्लास में नहीं आते हैं वो भी एज इट इज करते चलने जा रहे होंगे इसको ऐसा मैं मान करके के चल रहा हूँ है ना कर रहे नहीं कर रहे वो उनके ऊपर है आप लोग भी मैं मान के ही चल रहा हूँ कि आप लोग कर रहे होंगे कर रहे नहीं कर रहे ये भी आपके ऊपर ही है चलो बताओ कौन कौन से पॉल्यूशन हो गई हैं एक एक बोलना शुरू करिए सबसे पहले एयर पॉल्यूशन हो गया था उसके बाद वाटर पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन ई वेस्ट और तो ई वेस्ट खाली नहीं हुआ होगा उसमें सॉलिड वेस्ट ई वेस्ट सारा ही हुआ होगा ना एक साथ या खाली ई वेस्ट हुआ था अच्छा सॉलिड वेस्ट वगैरह पे कुछ नहीं लिखा हुआ नहीं हो सकता ऐसा देखो जरा हाँ तो अपने आप में भाई ध्यान दीजिए इधर ये सर्च जो पूरा टॉपिक है इस, वेस्ट वाली बात हम इसमें कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट अपशिष्ट प्रबंधन तो उसमें दो तीन तरह के वेस्ट है सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सॉलिड वेस्ट जो डेली बेसिस पर घर से निकल रहा होता है दूसरा इंपॉर्टेंट है ई वेस्ट और तीसरा था म्यूनिसिपल वेस्ट ठीक है ना ये तीनों तरह के वेस्ट उसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं उसको लेकर के हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, 2019, 2020 दो हजार उन्नीस सबकी बात भी की थी ठीक है चलो आ, इसके बाद कोई कुछ और किया था क्या हाँ उसके लिए फिर कौन कौन से नियम कानून बने हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वेस्ट मैनेजमेंट उसकी भाई पीछे लो, बात मत करो कर आपस में उसकी बात हम लोगों ने की थी ठीक है एक और लिखिए थर्मल पॉल्यूशन ताप प्रदूषण या तापीय प्रदूषण भी कहते हैं थर्मल प्रदूषण पोल्यूशन प्र, थर्मल पॉल्यूशन क्या हो गया ताप प्रदूषण क्या होता है ये तो एक बहुत सिंगल लाइन में लिख लीजिए विन द टेम्परेचर ऑफ

या वायु निकाय का तापमान वाटर बॉडी और एयर बॉडी डिक्रीज और इंक्रीज इज नॉन एज थर्मल पॉल्यूशन जल निकाय या का तापमान घट जाए या बढ़ जाए तो उसे तापीय प्रदूषण कहते हैं ठीक है यानी कि जो जनरल टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़े या बहुत ज्यादा घटे अब होता है क्या है कि जो एयर का टेम्परेचर है वो तो बहुत वेरिएबल होता है लेकिन जो वाटर का टेम्परेचर है वो क्या होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है स्थिर होता है है ना देखा होगा आप लोगों ने तो अगर वाटर के टेम्परेचर में एक दो डिग्री सेल्सियस का भी डिफरेंस आता है तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर उसके अंदर रहने वाले जीवों के ऊपर जानवरों के ऊपर चाहे वो वेजिटेशन हो चाहे वो एनिमल्स हो, और नॉर्मली क्या होता है स्पेशली जो हमारी फैक्ट्रीज है जहाँ भी इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जहाँ पर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं या जहाँ पर वॉलकैनोज फटते हैं वहाँ पर क्या होगा एक झटके में कई सौ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज़्यादा घट जाता है जैसे जहाँ पर स्टील प्लांट्स होंगे वहां पर क्या करेंगे वो लोग कि कूलिंग प्रोसेस करते हैं स्टील बने हुए स्टील का और वो पानी एक झटके में गर्म हो जाएगा जो पानी था अभी जीरो डिग्री सेल्सियस पर या दस डिग्री सेल्सियस पर था अचानक से उसमें टेम्परेचर हो जाएगा कितना पच्चीस डिग्री सेल्सियस तीस डिग्री सेल्सियस और वो पानी रिलीज होगा कहाँ पे तालाब में या वो पानी चला गया किसी नदी के अंदर अब आप इमेजिन करो आप एक वाटर टब के अंदर बैठे हुए हो उसका पानी का टेम्परेचर है जो आप सह सकते हो नॉर्मली जो रहता है अचानक से वो 20 डिग्री का हो जाए 35 डिग्री 40 डिग्री क्या होगा आपका है ना सेम सिचुएशन होती है उन बॉडीज के साथ ये नेचुरली भी हो सकता है ये काम के थ्रू भी हो सकता है ये काम फैक्ट्रीज के थ्रू भी हो सकता है इसे ही कहते हैं हम लोग थर्मल पॉल्यूशन ठीक है कोई कंफ्यूजन इसे में लिख लू आगे फुल स्टॉप करके एयर टेम्परेचर एयर टेम्परेचर इज अनस्टेबल वायु तापमान अस्थिर होता है बट बट वॉटर टेम्परेचर इज मोर स्टेबल लेकिन जल का तापमान अधिक स्थिर होता है इज मोर स्टेबल जल का तापमान कहां से बताओ बताओ पड़ोसी में देखो पड़ोसी को देखो जल का तापमान अधिक स्थिर होता है अतः अतः कॉमा दैट्स वाय दैट्स वाय सडन और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर सडन इंक्रीज ऑफ और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर सडन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ब्रैकेट में लिख सकते हो इवन वन डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में लिख लीजिए इवन वन डिग्री सेल्सियस वन मतलब एक लिखना है डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट क्लोज कैन बी हार्मफुल फॉर कैन बी कैन बी हार्मफुल फॉर वाटर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म वहां रहने वाले जो जीव होते हैं हिंदी में कहां तक पहुंचे थे अतः तापमान में एकाएक यानी कि अचानक वृद्धि या कमी एकाएक वृद्धि या कमी ब्रैकेट में लिख लो एक डिग्री सेल्सियस भी ब्रैकेट बंद जलीय जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है जलीय जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है ठीक है नेक्स्ट देखिए मेजर फैक्टर्स प्रमुख कारक किन किन कारकों से हो सत, होता है थर्मल पोल्यूशन थोड़ा सा स्पीडली बढ़ना होगा हमको ईवीसीडी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स तापीय विद्युत संयंत्र विद्युत या तापीय ऊर्जा और लिखना कोल बेस्ड ब्रैकेट में लिखना कोल बेस्ड कोयला आधारित मैक्सिम कोल बेस्ड ही होते हैं थर्मल वाले लेकिन तब भी नेक्स्ट लिख लो औद्योगिक अपशिष्ट एवं अपवाह इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड ड्रेनेज जो इंडस्ट्री से पानी निकलता हो औद्योगिक एवं अपवाह तटीय इलाकों में वनोन्मूलन डिफॉरेस्टेशन इन कोस्टल रीजन्स क्या हो गया डिफॉरेस्टेशन इन कोस्टल रीज़न्स, तटीय इलाकों में वन उन्मूलन इससे क्या होगा तटीय इलाकों में वन उन्मूलन से क्या होगा जंगल खत्म होने से तो क्या होगा उसका टेम्परेचर पे क्या इंपैक्ट होगा कर रहे तो तो खत्म हो गया ना वहां रीजन में आप खुद इमेजिन करो आप एक जगह पर गए एक पार्क में उस पार्क में खूब सारे पेड़ लगे हैं दोपहर का टाइम आप नीचे बैठ सकते हो छाव में एक पार्क है दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको खाली पड़ा रेत का मैदान है तो टेम्परेचर में फर्क होगा कि नहीं होगा दोनों जगह पर ठीक है चलो और क्या हो सकता है तो ये मेजर फैक्टर्स हो गए हैं ठीक है थीके? वो भी तो लिख लो इसमें क्या नाम है वोल्केजम ज्वालामुखीयता जहां पर वोल्कैनिक इरप्शन होता है तो उसके थ्रू भी ऐसा होता है ठीक है अब बात की जाए इम्पैक्ट की तो ऑब्वियस सबसे सिंपल इम्पैक्ट यही है कि वहाँ पर जो डिपेंडेंट जीव है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे या तो वो रिप्लेस हो जाएंगे वहाँ से वो जगह छोड़ देंगे वो दूसरा क्या हो सकता है मान लो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके थ्रू यूट्रोफिकेशन हो सकता है सुपोषण हो सकता है जो केमिकल गया उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रियट होगा तो बहुत ज़्यादा जीव पैदा हो जाएंगे दोनों चीज़ें घातक है अगर जीव कम हो जाए तब भी नुकसान है ठीक है जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो दोनों ही घातक होता है सेम एज किसी भी वाटर बॉडी के अंदर एवरेज पॉपुलेशन है तो ठीक है कम होगी तब भी मतलब पानी पॉल्यूट हो गया है और बहुत ज़्यादा होगी तो वो पानी को अपने आप पॉल्यूट कर देंगी क्योंकि वो सारा जो उसके अंदर ऑक्सीजन है बहुत जल्दी क्या कर देंगी उसको वो खर्च कर देंगी खत्म कर देंगी तो पानी सड़ जाएगा वो ठीक है समझ में आई बात कोई कंफ्यूजन उपाय क्या हो सकते हैं रोकने के लिए क्या लगता है हाँ तो जो जो काम हो रहा है या तो उसको रोक दिया जाए एक बात या उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट तो निकले गई तो उसका ट्रीटमेंट करके फिर आगे भेजा जाए है ना ट्रीटमेंट यानी कि पानी निकला आगे प्लांट लगा हुआ प्लांट के अंदर गया वहां पे कूलिंग प्रोसेस हुई ठीक है ना नॉर्मल किया गया उसको फिर उसको रिलीज किया हमने तो वही उपाय हो जाएंगे सारे जो समस्या समस्या है उसका उल्टा कर दो वो समाधान हो जाएगा ठीक है चलिए Uh, एक शब्द मैंने आपको बताया था जैव उपचार बायो रिमेडिएशन बताया था क्या होता है ऑयल जैपर मैंने बोला था ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी इससे पिछली वाली क्लास में ही शायद बताया था मैंने वेस्ट वाले में ही नहीं बताया था अच्छा ठीक है ठीक है तो बायो रिमेडिएशन शब्द याद रखिएगा जैव उपचार कहते हैं हिंदी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी तकनीक होती है। स्पेस टेक्नोलॉजी आईटीसी, उसी में एक टेक्नोलॉजी होती है बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी इसका मतलब क्या होता है साइंस वाले बच्चे कौन कौन है यहाँ पर इलेवन ट्वेल्थ पी पीसीबी। एम हाँ शब्द सुना है आप लोगों ने जैव प्रौद्योगिकी सुना है स्पेस टेक्नोलॉजी शब्द सुना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शब्द सुना है सारे ये डिफेंस टेक्नोलॉजी शब्द है, हाँ अब बताओ बायो टेक्नोलॉजी क्या होता है स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होता है स्पेस में काम करना सिंपल सी बात है स्पेस के लिए बनाई गई टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी होती है तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है हाँ जो बायोलॉजिकल चीजें हैं बायोलॉजिकल चीज़ें दो हैं, एक एनिमल है और एक प्लांट है ठीक है तो उनके ऊपर कुछ भी काम किया जाए है ना जैसे आपने कोई अच्छी से क्रीम लगाई आप बोरे हो गए जो होते नहीं है ठीक है आपके बाल उगा दिए गए सुना है आप लोगों ने हाइट बढ़ा दी जाएगी आपकी इसी तरीके से बीटी कॉटन हाँ बॉर्न बीटा बीटी कॉटन के बारे में सुना था ऐसे बीज बनाना जो हाई प्रोडक्टिव होते हैं है ना नॉर्मल बीज वही इलाक वही बीज है अगर एक केले का खेत है उसमें जितना प्रोडक्शन कर रहा है कोई नया बीज होगा उससे दोगुना कर रहा होगा ठीक है इसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी चूहों पे एक्सपेरिमेंट होते हैं ना ठीक है पिग्स पर एक्सपेरिमेंट होते हैं एक शब्द होता है गिनी पिग है आप लोगों ने क्या होता है गिनी पिग गिनी पिग खरगोश की तरह होते हैं तो फिर उसे क्या नाम गिनी पिग क्यों बोलते हैं फिर तो रैबिट बोलना चाहिए उसको हाँ तो नॉर्मली जिनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है उन्हें गिनी पिग कहा जाता है ठीक है ये कहावत भी है कि हमें आप गिनी पिग मत बनाओ मतलब हमारे ऊपर कोई टेस्टिंग मत करो ठीक है तो स्टार्टिंग में कोई भी जो टेस्टिंग होती है वो रैट्स के ऊपर हो गया बंदरों के ऊपर हो गया खरगोश के ऊपर हो गया पिक्स के ऊपर उनके ऊपर की जाती है जो जो काफ़ी हद तक हमसे मिलते जुलते हैं वो हमारे पूर्वज ऐसा नहीं है ठीक है ना या आप ऐसा कुछ भी नहीं है जिनकी डी हो गए जिनकी फूड हैबिट्स हो गई जिनका रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया काफी हद तक हमसे लाइक वाइज ह्यूमन है ह्यूमन नहीं है वो लोग ठीक है ना आप लोग रेबिट या पिग या वो सब हो ठीक है हाँ तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब उनके अंदर कोई बदलाव करना किसी भी तरीके से ठीक है उससे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से पॉल्यूशन को खत्म करना उसको कहा जाता है बायो रिमेडिएशन ठीक है हिंदी में क्या बोला मैंने जैव उपचार पेन कहा गया मेरे हाथ में तो है क्या पढ़ रहे थे तीसरे वर्ग में ठीक है उसमें वो दोनों मिलकर बायो रिमेडिएशन

मान लो किसी ने घोषणा की हमने ऐसा बैक्टीरिया बनाया है वो बैक्टीरिया क्या करता है वो बैक्टीरिया किसी भी जगह पर जो तेल पड़ा हुआ है पानी के ऊपर सो खाकर खत्म कर देगा बहुत अच्छा बैक्टीरिया हमारे लिए लेके आओ बहुत सारे बैक्टीरिया आप लोग खाते भी हैं अपने खुद को ठीक करने के लिए तो इसके उसके बाद खाते ने, हैं आप लोग ये कैसे याद याद रखने की वो बनाने के लिए बॉटल आती है या कुलट की देखा है बेसिकली क्या होता है वो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर एक बॉटल में बीस बैक्टीरिया बंद होते हैं उसको आप खाते हैं डाइजेशन ठीक रखने के लिए वो है वेजिटेरियन ठीक है सब चीज़ें बैक्टीरियाज हैं ठीक है समझ में आई बात तो नेचुरली अगर हो रहा है ये दही नेचुरली बन रहा है वो नेचुरल हो गया हमने खुद से बनाया उसी को हम लोग कह देते हैं बायो रेमेडिएशन जैव उपचार ये कंपेटिवली सुरक्षित होता है इसके नुकसान कम से कम होते हैं ठीक है हाँ इसके लिमिटेशंस भी अपनी होती हैं हर चीज़ ठीक नहीं कर सकते इससे आप ठीक है बहुत आरएनडी करना पड़ता है बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है लेकिन तब भी जब भी करंट में डिस्कशन में आएगा या खाली ये शब्द डिस्कशन में आ जाए जैव उपचार क्या है आपको पता होना चाहिए मैंने बता दिया ठीक है थीके? चलो बधाइयां आगे बढ़ा जाए एक दो पॉल्यूशन आप लोग लिख लो जिसपे आप लोग काम करना काम करना इन द सेंस कोई करंट में डिस्कशन होगा या कोई रिपोर्ट आएगी या कोई रिसर्च होगी तो क्योंकि इन पॉल्यूशन का इंपैक्ट अभी बहुत ज्यादा होना शुरू नहीं हुआ है वो बहुत बड़े खतरे नहीं बने हैं लेकिन हाँ आने वाले भविष्य में खतरे बन सकते हैं तो दो तीन पॉल्यूशन के नाम लिख लीजिए ऐसे नंबर वन रेडिएशन पॉल्यूशन विकिरण प्रदूषण रेडिएशन पॉल्यूशन रेडिएशन विकिरण प्रदूषण सेकंड लाइट पॉल्यूशन लाइट प्रकाश प्रदूषण लाइट्स ये लाइट नहीं होती है ये होती है इलेक्ट्रिसिटी इसका जो इंपैक्ट होता है वो होता है लाइट तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ध्यान रखिएगा ठीक है प्रकाश प्रदूषण आप लोगों ने सुना होगा मैं खाली बेसिक डिस्कशन दे दे रहा हूँ लिखाऊंगा कुछ भी नहीं इसके बारे में आजकल बहुत से लोगों ने स्पेशली जो अपर मिडल क्लास है या अपर इकोनॉमिक क्लास है वो अपने घरों के अंदर या बड़े बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसे इलाके बनते हैं उसको नो मोबाइल जोन कहा जाता है या नो रेडिएशन जोन कहा जाता है भाई हम लोग अपने डिनर रूम में कोई कोई भी डिवाइस लेकर के क्योंकि हम सब रेडिएशन में जी रहे हैं आप इमेजिन करो ना वहां सामने कैमरा लगा हुआ है ठीक है यहां पर डिजिटल बोर्ड है ये दोनों काम कर रहे हैं यहां पर वाईफाई भी एक्टिव है आप सबके पॉकेट में एक एक फोन है वो सारे फोन लोकल जो टावर होगा बाहर कहीं खड़ा होगा आसपास उससे जुड़ा हुआ होगा ऐसे दर्जनों टावर यहां पर होंगे तो सब क्या कर रहे हैं रेडिएशन एमिट कर रहे हैं रेडिएशन विकिरण उत्सर्जित कर रहे हैं उसका कितना सकारात्मक नकारात्मक इंपैक्ट है यह अभी भी रिसर्च का विषय है डिस्कशन चल रहा है बहुत पहले एक फिल्म भी आई थी अक्षय कुमार की हाँ ऐसी कुछ नाम था जो आप लोगों ने बोला है ठीक है मैं समझ नहीं पाया हूँ क्या बोला है ठीक है हाँ उसमें वो पक्षी को है ना तो वो थोड़ा सा अलग कंसर्न था और स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस थी वो तो ज़्यादा बनाया था उन्होंने तो उस पर आर डी चल रहा है सबके अपने अपने हाइपोथेसिस है हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट तो हो ही रहा है हमारे ऊपर ये बात तय है बहुत सारे जगहों पर जहां पर हाईली एक्टिव जो उनसे यानी कि जहां पर सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है या बहुत बड़े टावर्स लगे हुए हैं जैसे एयरपोर्ट हो गया जहां पर रडार्स लगे हुए हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है या किसी एक ही जगह पर मतलब मैंने ऐसा फील किया मैं बहुत ट्रैवल करता हूं तो मैंने ऐसा फील किया है कि किसी भी एक ही जगह पर जहां बहुत ज्यादा लोग हैं इकट्ठे एक, एक साथ हजारों लाखों फोन है वहां नेटवर्क काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि टावर्स की लिमिटेशन होती है एक टावर कुछ लाख फोन को ही संभाल पाएगा बेचारा वो है ना तो वहां पर कितना रेडिएशन होता होगा उस टाइम पर आप इमेजिन करके देखिए ठीक है तो तो धीरे धीरे आगामी टाइम में ये भी भी बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है रेडिएशन पॉल्यूशन यही अभी डिस्कशन का इशू है ठीक है ना इसी पर चर्चा हो रही है अलग अलग कि भाई जो रेडिएशन निकल रहा है अलग अलग चीजों से उसका ह्यूमन बॉडी पर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है जैसा कुछ तो मानते हो कि फर्क नहीं पड़ता मोबाइल से बहुत लोग कहते हैं फर्क पड़ता है है ना साइकोलॉजिस्ट मानते हैं सोशोलॉजिस्ट मानते हैं कि अगर आपके पास फ़ोन है तो नेचुरली आप डिस्टर्ब रहेंगे आप फोन नहीं यूज करें तब भी डिस्टर्ब रहते हैं आप ठीक है जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है सबका अपना अपना है पर इस पर कोई सॉलिड अभी तक बहुत ज़्यादा काम हो पाया ऐसा नहीं है क्योंकि प्रूफ करना पड़ता है आपको उसके ऊपर टेस्ट करके प्रूफ करना पड़ता है लेकिन ये एक समस्या है तो अगर कोई भी इस पर कोई रिसर्च आती है कोई पेपर पब्लिश होता है अखबार में न्यूज़ आती है आपको थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेना है अभी भारत सरकार ने भी कोई कदम इसके ऊपर नहीं उठाया है तो इसलिए हमें कोई चिंता करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है मतलब सिलेबस के लिए वैसे चिंता करने की जरूरत हो सकती है सिलेबस के लिए ठीक है ऐसी लाइट पोल्यूशन वाला मैंने बताया आपको प्रकाश प्रदूषण वाला कि अभी क्या हो गया है जो हमारी बॉडी है इसका जो नेचुरल क्लॉक होता है प्राकृतिक घड़ी है वो डिस्टर्ब हो गई है क्यों घड़ी क्या हो गया हाँ कुछ कह रहे हो हाँ जी नहीं नहीं बोरा तो आप दोनों ने कुछ नहीं है चलो ठीक है तो जो नेचुरल क्लॉक डिस्टर्ब है हमारे डिस्टर्ब क्यों है पहले क्या था बॉडी जब सुबह सनलाइट दिखती थी और शाम को अंधेरा दिखती थी उसके हिसाब से रिएक्ट करती थी जानवर ऐसे ही जीते हैं ठीक है हाँ हम भी जानवर ही हैं वैसे तो ठीक है मतलब बायोलॉजिकली देखा जाए तो है ना दो ही कैटे किंगडम्स हैं एनिमेलिया और प्लांटिया हम लोग किसमें हैं हाँ तो क्या हैं हम लोग आप लोग क्या हैं ठीक है तो उसका अब क्या हो रहा है कि 24 घंटे हम लोग व्हाइट लाइट में रहने लग गए हैं बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि भैया सोना है कि नहीं सोना है है ना अब रात को 12 बज रही हैं घर के अंदर ट्यूबलाइट जल रही है व्हाइट लाइट है वो ठीक है बॉडी कंफ्यूज है साथ सामने स्क्रीन भी है ब्लू स्क्रीन भी है बॉडी कन्फ्यूज है कि सोना है कि नहीं सोना है एक दिन दो दिन चल जाता है उसके साथ पर लगातार होगा तो नेचुरल बॉडी क्लॉक क्या हो गई डिस्टर्ब हो गई अभी ये इंपैक्ट बड़े शहरों में जहां पर 24 घंटे लाइट अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी की वहां पर ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है बहुत सारे रिसर्च ऐसा बताती हैं कि धीरे धीरे इसका इंपैक्ट पक्षियों पर जानवरों पर आना शुरू हो गया है उनकी जो स्लीप साइकिल है डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि वो चलते वैसे ही हैं कभी भी आप देखेंगे बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग ही पक्षी घर से निकल जाते हैं और शाम को जब सूर्य ढलने वाला होता है तो आपको मैक्सिमम पक्षी ट्रैवल करते हुए मिलेंगे वापसी जा रहे होते हैं ऐसे ही जानवर भी होते हैं ठीक है ना वो उनका नेचुरल क्लॉक है हमने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है उसको ठीक है तो उसके भी इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इस सब पे काम होना बहुत बाकी है लेकिन बेसिक टर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है एक पॉल्यूशन मैंने और नहीं कराया है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोगों ने ऐसे भी लिखे होंगे बचपन में इसके ऊपर दस लाइनें भी लिखी होंगी नॉइज पॉल्यूशन है ना ध्वनि प्रदूषण नॉइज पॉलूषण ध्वनि प्रदूषण तो उसको भी थोड़ा सा जा करके कोई भी छोटे भाई घर में होंगे उनकी किताब देख लेना पता लग जाएगा भाई बहन होंगे तो है ना ठीक है डेसिबल सब्स ना डेसीबल क्या होता है डेसिबल हा कितना सुन सकते हैं हम लोग है ना उसको डेसिबल में मेजर करते हैं अलग अलग तरह की जो बॉडीज होती हैं, ह्यूमन बॉडी है वो एक फिक्स फ्रिक्वेंसी तक सुनती है उससे कम या उससे ज्यादा हम नहीं सुन सकते ऐसे ही बाकी अलग अलग जो बॉडीज हो सकती हैं, अलग अलग जो एनिमल्स हैं, वो कम ज्यादा भी सुन सकते हैं जो मैंने एक शब्द बताया था आपको ट्रेडिशनल नॉलेज पारंपरिक ज्ञान बताया था शब्द तो पारंपरिक ज्ञान में एक ये भी बात शामिल है अर्थक्वेक भूकंप या ऐसे जो नेचुरल डिजास्टर्स है डिजास्टर्स आने से पहले बहुत सारे अलग अलग तरह के जीव वो रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनको पहले पता लगता है अब इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है सिंपल सी बात है वो नॉइज़ जो हम नहीं सुन पा रहे वो उसको सुन ले रहे हैं क्योंकि उनके कान वैसे बने हुए हैं सिंपल सी बात है भाई ये कान क्या एक मशीन है ठीक है ना यहाँ पे आप दूसरे मशीन लगा दो बड़ी सी बड़ी जो ज़्यादा कम सुन सके तो हम भी सुन सकते हैं वो वाली चीज़ ठीक है ना तो यानी कि वो भी अपने आप में एक पॉल्यूशन तो डेसीबल वाला थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग ठीक है ये बहुत बेसिक है ये उस चैप्टर के अंदर भी दिया हुआ है बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं जो आप लोग भूल गए होंगे वो अलग बात है ठीक है तो उसको भी पढ़ लीजिएगा ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे क्या हो गया अच्छा डेस्क का स्क्रू ढीला है <laughs> नहीं मैं तो पूछ रहा हूं मतलब क्योंकि मैंने कुछ नहीं कहा है मैंने खाली बोला डेस्क का स्क्रू ढीला है क्या ठीक है, आपका ठीक है एडजस्ट कर लीजिएगा फिर चलो ठीक है तो ये हमारा पॉल्यूशन वाला टॉपिक हो गया है पॉल्यूशन वाला टॉपिक तीन भागों में बटा हुआ है नंबर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हर चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट है एक एयर पॉल्यूशन है नॉइज पॉल्यूशन है ठीक है नंबर दो उसके ऊपर बनाए गए नियम कानून नियम कानून कहां बने होंगे अपने देश के अंदर बने होंगे उसमें नियम कानून भी आ जाएगा उसमें बॉडीज भी आ जाएंगी जैसे सीपीसीबी हमने बोला सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो नियम कानून ऐसी बॉडीज आ जाएंगी इसमें कुछ इंडेक्सेज भी आ जाएंगे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक है और तीसरा जो बड़ा पार्ट है वो क्या है इसके अंदर इंटरनेशनल एफर्ट्स कन्वेंशन ट्रीटीज कोई नई रिसर्च होती है तो तो तीनों पार्ट से सवाल बनते हैं कहीं से भी बन सकते हैं तो उसको करंट से भी रिलेट करके हमको पैरल पढ़ना पड़ेगा ठीक है चलो अगला दिया जाए हेडिंग क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन कौन बताएगा क्या होता है क्लाइमेट चेंज आई एम वेटिंग जैसे बिल्कुल ठीक बात है ये क्लाइमेट चेंज होता है ठीक है इसमें पांच पांच छह शब्द हमको अलग अलग शब्द यानी कॉन्सेप्ट समझने हैं एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, ने ग्लोबल वार्मिंग है ना हिंदी में बोलते हैं जी हाँ वैश्विक अरे जोर से बोलो ना वो ग्लोबलाइजेशन होता है बेटा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है आपकी वैश्विक तापन ठीक है ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या हो गया जो ग्लोब है हमारा वो क्या हो रहा है वार्म हो रहा है गर्म हो रहा है वो हो गया ग्लोबल वार्मिंग ठीक है उसका फाइनल रिजल्ट होता है क्लाइमेट चेंज तो एक शब्द ये हमको समझना होगा एक वर्ड होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट हिंदी में कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव देखा आप लोगों ने सुना है वर्ड ये, ये समझना होगा एक है ओजोन ओजोन डिप्लेशन यानी कि ओजोन क्या होता है ओजोन की परत है, वो परत है, हो रही है. ये सब चीजें जुड़ी हुई है डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से ठीक है तो ये हम सब समझ लेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज को ओवरऑल समझ जाएंगे तो सबसे पहले लिखो ओजोन लेयर मेन टॉपिक क्या है हमारा क्लाइमेट चेंज उसमें अलग अलग चीजें हम समझ रहे हैं तो उसमें पहला सब टॉपिक है ओजोन लेयर ओजोन परत बताओ जी क्या होता है ओजोन लेयर हम ये हमको अल्ट्रा वायलेट से बचाती है बिल्कुल ठीक बात है और कहाँ होती है हाँ तो ये आप सबको पता है स्टेटोस्फेयर में होती है स्टेटोस्फेयर कहां पर होता है किसके ऊपर वो कहां होता है ये हो गई हमारी धरती इस पर हम पाए जा रहे हैं सबसे पहले लेयर कौन सी होती है टोपो अच्छा ट्रोपो होती है हिंदी में क्या बोलते हैं अरे वाह क्या बात है आपको याद है इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर हिंदी में क्या बोलते हैं अरे वाह ये भी याद है कमाल ही हो रहा है मतलब आज तो इसके बाद क्या होता है मेजोस्फेयर क्या बोलते हैं हाँ, कहां पर होता है ओजोन हाँ, इसमें ऊपर नीचे हाँ, तो यहां पर क्या पाया जाता है ओजोन ओजोन की लेयर पाई जाती है जो हमको बचाती है किससे अल्ट्रा वायलेट रेड से हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेड से हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमको बचाती है ठीक है यूवी रेज कोई पॉइंट्स वाला नहीं बचा सकता उससे आपको खाली ओजोन बचा सकती है ठीक है ना? हाँ तो बाकी जो क्रीम्स होती हैं वो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है बस इतना होता है ठीक है तो बहुत ज़्यादा हाँ ठीक है वो प्रोटेक्शन देती हैं थोड़ा बहुत यू प्रोटेक्शन देती हैं ठीक है लेकिन एक्चुअल कौन बचाएगा आपको ओज़ोन ठीक है ओजोन बनती कैसे है एटमोस्फेरिक ओज़ोन कैसे बनती है अच्छा मैक्सिमम क्या है यहां पर नाइट्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोले तो ओ टू ठीक है अब होता है क्या है जब इस पर पड़ती है सनलाइट या कह सकते हैं यूवी रेज ठीक है तो वो इसको ब्रेक सनलाइट पड़ती है वो उसको दो मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगी ठीक है ना इसके बाद क्या होगा अब ये टूटनी शुरू हुई है यहां पर जो अदर ओ टू होगी तो उससे जा करके एक ये मिल जाएगा तो क्या बनेगा ओ थ्री ठीक है ओजोन ये प्रोसेस पैरेलली ही चलता रहता है ओजोन हमारे लिए फायदेमंद है अगर एक लिमिट में हो रही है तो प्रॉब्लम कब आती है जब इस नेचुरल प्रोसेस के अंदर कोई मैन मेड एलिमेंट घुस जाता है ठीक है यानी हमने कुछ ऐसी गैसेस बना रखी हैं जो यहां पर इजीली एंटर कर रही हैं और वो इस प्रोसेस को बहुत तेज़ कर देती हैं जैसे क्लोरीन हम लोग यूज करते हैं सी हम लोग यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं हम लोग ठीक है ये सब जा कर के इस प्रोसेस को बहुत तेज़ कर देती हैं ठीक है ठीके? और इसके बाद क्या करेंगी पहले प्रोसेस तेज़ हुआ और बाद में क्या करेंगी ओ टू प्लस ओ मिलकर के जो ओजोन बन रहा था इस प्रोसेस को ये क्या कर देंगी रोक देंगी कैसे रोक देंगी इन्होंने एक ओ को पकड़ लिया मान लो क्लोरीन गई ऊपर एक ओ को पकड़ लिया क्या बना दिया सी एल ओ एक ओ खत्म हो गया तो ओजोन बन पाएगी नहीं बन पाएगी खाली ओटू रह जाएगा वहाँ पर तो इस प्रोसेस का रुक जाना यही कहलाता है ओजोन डिप्लेशन ओजोन परत का कम होना या ओजोन में छेद होना ठीक है ओजोन लेयर में छेद मतलब क्या है वहाँ पर जो ओजोन गैस थी या जो ओजोन गैस लगातार बन रही थी वो प्रोसेस क्या हो गया रुक गया आपको कुछ और कैसे चली गई कुछ और बनने लग गया ये जो मैंने ये बोला है पिछले दो मिनट के अंदर ये बात समझ में आई किसी को नहीं आई yes, जिसको समझ में नहीं आई वो बताई आपको नहीं आई और आपको नहीं आई दो और आपको आ गई तो कौन बोलेगा हाथ खड़ा था ऐसे लल्ला आई बनना है ठीक है छीनना पड़ेगा क्या छीनना पड़ेगा सीट ठीक है देखो ऑक्सीजन होता है ना ऑक्सीजन वो तो खूब है वातावरण के अंदर सेकंड हाईएस्ट गैस कौन सी है ऑक्सीजन 100 परसेंट में से ऑक्सीजन कितनी है जी 21, 21 या 20 21. चलो 20, 21 21 परसेंट है अठहत्तर परसेंट क्या है नाइट्रोजन है ये जो 21 परसेंट नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन है इसको हम लोग वैज्ञानिक रूप में ऐसे लिखते हैं क्या लिखते हैं ऐसे टू कहते हैं जब इसके ऊपर यानी ऑक्सीजन गैस के ऊपर सूर्य की रोशनी बढ़ती है तो टू मतलब क्या है दो अड़ुए है यहां पर दो मॉलिक्यूल से बहुत सिंपल भाषा में समझिए मुझे विज्ञान नहीं आता है ठीक है दो मॉलिक्यूल से इस पर जब सन की लाइट पड़ेगी तो टूट जाएंगे दोनों तो अलग अलग हो जाएंगे तो जो ओ टू थे ये अलग अलग हो गए सिंगल सिंगल एक ओ हो गया एक ओ हो गया ठीक है समझ में आ गई बात अब जब एक एक ओ हो गए ऐसे लाखों एक एक ओ हो गए ठीक है तो तीन आपस में मिल जाएंगे ठीक है और ये क्या बना देंगे ओ Three. थ्री ये ओ थ्री क्या कहलाती है ओजोन। ठीक है समझ में आई बात ये नॉर्मली प्रोसेस चलता रहता है अपने आप प्राकृतिक रूप से चल रहा है इसमें कोई समस्या हमको नहीं है समस्या तब होती है जब मनुष्य ने हमने बहुत सारी ऐसी गैसेज बनाई हुई है वो गैसेज जब वातावरण में जाती हैं यहां पर हम रह रहे हैं इस धरती पर हम लोग रह रहे हैं यहां से कोई गैस निकली जैसे क्लोरीन ठीक है क्लोरीन देखा है आप लोगों ने कभी पानी के साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है गोलियां आती है मटके में डाल देते थे पहले ठीक है ना मटके में डाल दो क्लोरीन तो पानी साफ हो जाता था पूल्स के अंदर भी डाला जाता है ठीक बात है ठीक है तो क्लोरीन है अब क्या करेगी मान लो ये बहुत सारे ओ टूटे हुए हैं तीन ओ आपस से मिलकर के क्या बनते ओ थ्री उससे पहले यहाँ पर एक गैस आ गई सीएल क्लोरीन उसने इस एक को पकड़ लिया अपने साथ तो ये तो क्या बन गई सीएलओ बन गई ठीक है अब यहां पर ओथरी बनने से रह गया ठीक है तो लगातार जब ऐसी गैसें नीचे से ऊपर जाती रहेंगी और वो ओजोन बनने के प्रोसेस को क्या कर देंगी कम कर देंगी या स्लो कर देंगी इसी को हम लोग कहते हैं ओजोन परत का ह्रास या ओजोन डिप्रेशन या ओजोन परत में छेद होना या छेद नहीं बन जाता वहां पर खाली ओजोन गैस वहां पर क्या हो जाती है कम हो जाती है ठीक है क्लियर हो गया ओ थ्री वैसे ही कम होती है बहुत नेग्लिजिबल फॉर्म में होती है एनवायरमेंट के अंदर ठीक है तो यहाँ तो नेचुरल प्रोसेस है वो ओ थ्री बनना ओ टू बनना ओ थ्री बनना ओ टू बनना ओ थ्री बनना ओ टू बनना, बनना चलता रहता है ठीक है चलो लिख लो जी पहला बिंदु द ओजोन गैस द ओजोन गैस फाउंड इन स्टेटोस्फेयर ओजोन गैस स्लैश लेयर भी कर लो फाउंड इन स्टेटोस्फेयर विच ऑब्सर्व दू वी रेज हिंदी में भी लिख लीजिए ओजोन गैस या परत संताप मंडल में पाई जाती है विच व द यूवी रेज अल्ट्रावाट रेज जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है पराबैंगनी किरणों को इन्हीं को हिंदी में यू अंग्रेजी में यूवी कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है दीज यू वी रेज आर हार्मफुल, हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स ये पारा बैंगिकरणें मनुष्य एवं अन्य जीवों के लिए हानिकारक होती हैं मनुष्य एवं अन्य जीवों के लिए हानिकारक होती हैं हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स एनिमल्स वेजिटेशन सभी हैं क्या क्या इम्पैक्ट होता है इससे तो हाँ लिख लो आगे उसी में ही जो ओजोन यूवी रेज का जो इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर स्किन डिजीज त्वचा रोग वो किसी भी तरह का डिजीज हो सकता है कॉमक कैंसर अलग अलग प्रकार के कैंसर कैंसर भारत में सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको बजट के अंदर भी प्रोविजन किया गया है किसके लिए किस हाँ वैक्सीन तो है किस कैंसर से बचाव के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बिल्कुल ठीक बात है ठीक है स्किन डिजीज कैंसर आ, ये क्या होता है आंखों में जो होता है मोतियाबिंद कैटरेक्ट मोतियाबिंद प्रतिरोधक क्षमता में कमी ही? लो इम्यूनिटी रेज हमें स्लो कर देती है ठीक है हार्मफुल इंपैक्ट ऑन ऑन क्रॉप्स फसलों पर दुष्प्रभाव ये सारे अलग अलग इसके असर होते हैं ठीक है तो ये बेसिक ओजोन के बारे में बताया चेंज द लाइन और चेंज द पॉइंट लिखो डॉप्सन यूनिट ओजोन के बारे में ही पढ़ रहे हैं डॉप्सन यूनिट डी ओ बी एस ओ एन डॉपसन यूनिट इसमें ही मेजर करते हैं हम लोग ओजोन लेयर की मोटाई को हाँ लिख लो उसके सामने लिख लो डॉप्सन यूनिट के सामने डॉप्सन इकाई डॉप्सन इकाई इकाई मतलब क्या होता है यूनिट उसका मतलब क्या होता है इकाई या यूनिट का मतलब क्या होता है, मतलब है? समझ में कोई भी नहीं आ रहा कोई एक जोड़ से बोलो किसी भी एक बात को हाँ बिल्कुल ठीक बात है किसी चीज़ को नापने के लिए हम जो कोई एक पैमाना फिक्स करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट या इकाई जैसे सॉलिड को नापने के लिए किलो होता है लिक्विड को नापने के लिए लीटर होता है डिस्टेंस को नापने के लिए मीटर होता है मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर आइए ठीक है तो ऐसे शब्द परिभाषित कर सको आप खुद को ऐसा बनाइए ठीक है लिखो उसके सामने द कंसनट्रेशन द कंसनट्रेशन

कितनी इकट्ठी है एक जगह पर और कितनी मोटाई में इकट्ठी है एवं परत की मोटाई का मापन डॉप्सन इकाई में किया जाता है डॉप्सन इकाई में किया जाता है वन डी बीज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम यानी एक डॉपन यूनिट का मतलब क्या हो गया जीरो पॉइंट जीरो एक मिलीमीटर इतनी मोटाई में वहां पर ओजोन इकट्ठा है कहीं पर ऐसे नापते हैं इसको हम hmm. ठीक है, क्लियर हो गया क्लियर हो गया ना हाँ नेक्स्ट चेंज द लाइन लिखिए अंटार्कटिक ओजोन होल अंटार्कटिक ओजोन छिद्र, अंटार्कटिक ओजोन होल होल की स्पेलिंग क्या लिखेंगे ठीक है कई जगह होल को होल लिख लेते हैं डब्ल्यू एच ओ एल ई वाला और बहुत सारे बच्चे तो हॉल को हॉल लिख लेते हैं एच ए डबल एल ठीक है तो अर्थ का क्या हो जाता है अनर्थ, अनर्थ हो जाता है ठीक है अर्थ का अनर्थ नहीं करना अब इसके बारे में आप लोग बताइए जो लिखा है अभी देखो ये जो बातें जो सब आप लोग बोल रहे हो बहुत अच्छा बता रहे होंगे उसी को थोड़ा सा जोर से बोलो कि मुझे भी समझ में आए हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक बात है और ठीक है तो ओजोन डिप्लेशन वैसे तो पूरी दुनिया में ही हो रहा है लेकिन अंटार्कटिका जो इलाका है यानी कि जो सदन पोल है हमारा यानी कि दक्षिणी ध्रुव है यहां पर जो एटमोस्फेयर का लेयर है यहाँ पर जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ पर जो ओजेन ओजोन है ये बहुत तेजी से खत्म हो रही है ठीक है तो वहां पर ओजोन की जो मोटाई जो थिकनेस है परत की उसका कम हो जाना वही क्या कहलाता है ओजोन होल या ओजोन छिद्र ठीक है वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है ये मुद्दे की बात है तो इसमें लिख लीजिए एक दो पॉइंट्स प्रोसेस मैंने बता दिया था आपको ये सीएलओ वाला ये प्रोसेस है लिखाने की जरूरत तो नहीं है इस प्रोसेस को ठीक है लिखो सम स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस सम स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कुछ प्रमुख जलवायुवीय दशाएं भी ऑलसो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल दशाएं भी ओजोन छिद्र के लिए के लिए जिम्मेदार हैं यानी कि जो नॉर्मली हम लोग कर रहे हैं पॉल्यूशन वो सब तो है ही पर वहाँ पर कुछ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन हैं जो केवल वहीं पर होती हैं वो भी इसको प्रमोट करती हैं उस एक्शन को वो क्या क्या कंडीशन है तो दो कंडीशन है पहला लिखिए फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक स्टेटोस्फेयर था ना उसी से बन जाएगा स्टेटोस्फेरिक क्लाउड ब्रैकेट में पी एस सी लिख लीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्टेटोस्फेरिक क्लाउड इन विंटर्स इन विंटर्स ड्यू टू लो टेम्परेचर हिंदी में लिखिए सर्दियों में कम ताप के कारण सर्दियों में कम ताप के कारण ध्रुवीय कारण, सर्दियों में कम ताप के कारण ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ब्रैकेट में पीएससी फुल फॉर्म तो आपने अंग्रेजी वाला भी लिखा ही होगा ऐसा मान के मैं चल रहा हूं पी ब्रैकेट क्लोज का निर्माण या का बनना दूसरा लिख लो फॉर्मेशन ऑफ पोलर वर्टेक्स ध्रुवीय भंवर या ध्रुवीय बवंडर का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ पोलर वर्टेक्स वर्टेक्स की स्पेलिंग आपको पता ही है वर्टिकल से बना है बेसिकली वर्टेक्स हिंदी वाले बच्चे भी पोलर वर्टेक्स लिख ही लेंगे ध्रुवीय भवंडर या ध्रुवीय भंवर का निर्माण अबे दोनों चीजें क्या होती है पहला आपको समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से कि क्लाउड्स यहां पर कहां बनने लग जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में ठीक है टेम्परेचर कम हो गया तो ओवरऑल एटमोस्फेयर क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा तो जो काम पहले ट्रोपोस्फेयर में हो रहा था वो कहा होने लग गया स्टेटोफियर में होने लग गया वहां पर जो ओजोन जो है वो क्या हो जाएगी इसके कारण डिस्टर्ब हो जाएगी ठीक है दूसरा पोलर क्या होता है तो इसमें आ, बहुत कम सर्टेन इलाके में वर्टिकली टेम्परेचर कैद हो जाता है ठीक है वर्टेक्स मतलब पता ही है आपको वर्टिकल यानी कि मान लो ये कोई इलाका है एक ठीक है इसी इलाके में लगातार यहां पर हवाओं का चलना ठीक है अब क्या होगा जो यहां का टेम्परेचर था यहां पे टेम्परेचर पहले से कैसा है बहुत ज़्यादा लो है अगर यहां पर वर्टेक्स बन गया जो पूरा साउथ पोल है वहां पर ऐसा वर्टेक्स बन गया यानी कि हवाएं वर्टिकली चलना शुरू कर देंगी हवाएं नॉर्मली कैसे फ्लो करती हैं हॉरिजॉन्टली फ्लो करती हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर ये पढ़ा हुआ है हमने लेकिन यहां पर इसका फ्लो कैसा हो जाएगा

कोई कंफ्यूजन यहां तक पोलर वर्टेक्स पे सवाल एक बार बना हुआ है ठीक है फिल्म के अंदर सवाल बना हुआ था पोलर वर्टेक्स के ऊपर 2017 या 18 में बना था ठीक है तब से दोबारा सवाल नहीं बना है तो पूरे पूरे चांसेस सवाल इसके ऊपर बन जाए अगले एक दो सालों के अंदर ठीक है मर्जी है यूपीएससी वाले की कुछ भी कर सकते हैं वो है ना चलो आपको जो हमने जो आपको वो मिले हैं पोल्यूशन वाली पीडीएफ उसके अंदर इसके बारे में भी दिया हुआ है ठीक है जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं, नहीं होगा है ना पढ़ लीजिएगा आगे बढ़े सब हेडिंग नेक्स्ट ओजोन में ही चल रहे हैं इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर ओजोन लेयर कंजर्वेशन हिंदी में लिखिए ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास ओजोन परत के संरक्षण हेतु ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रयास इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर ओजोन लेयर कंजर्वेशन नंबर वन पहला वियना कन्वेंशन लिख करके अंडरलाइन कर देना वियना वी आई ई डबल एन ए बहुत खूबसूरत शहर है कहां पर है बहुत खूबसूरत देश है ऑस्ट्रिया सुना है ऑस्ट्रिया उसकी खूबसूरत सी राजधानी है क्या वियना ठीक है वीकेंड पे होकर के आइएगा दिखाऊं कहां पर है देखो ये रहा ऑस्ट्रिया हंगरी के वेस्ट में ठीक है जर्मनी के ईस्ट में अभिसमय कन्वेंशन को हिंदी में अभिसमय कहते हैं कई बार कन्वेंशन भी लिखा आ जाता है एज इट इज ठीक है इसके सामने एक दो चीजें लिख लीजिए लिख लो प्रपोज इन 1985 एटी फाइव बाई यू एन ई द्वारा 1985 में प्रस्तावित हाथ रोकिए मत प्रपोज इन 1985 एटी फाइव बाई यू यूएनईपी द्वारा उन्नीस में प्रस्तावित प्रस्तावित कॉमा यूनिवर्सल इंटरनेशनल एग्रीमेंट सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय समझौता सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय समझौता यूनिवर्सल इंटरनेशनल अग्रीमेंट अंतरराष्ट्रीय समझौता पर ठीक है इसके दो उद्देश्य थे इस समझौते के समझौता अभी भी एग्जिस्ट करता है ये लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव उद्देश्य किसके उद्देश्य वीना कन्वेंशन के ठीक है उद्देश्य ए बी ए कॉपरेशन फॉर इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सहयोग कॉपरेशन फॉर इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सहयोग बी विकसित राष्ट्रों द्वारा इंग्लिश में भी लिखिएगा साइंटिफिक कॉमा टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस साइंटिफिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस हिंदी में भी लिखते रहो ये बोल रहा हूं आगे uh, विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी वैज्ञानिक एवं वित्तीय सहायता देना साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू आगे लगा लो आप ठीक ठीक एवं वित्तीय सहायता देना ठीक है किसको सहायता देंगे किसको देंगे हाँ, डेवलपिंग को देंगे क्या लिखा हम्म टू डेवलपिंग कंट्रीज लगा लीजिएगा आगे ठीक है तो पहली बात सब मिल करके रिसर्च करें इसके ऊपर क्योंकि किसी एक का मुद्दा नहीं है ओजोन पूरी पृथ्वी की चारों तरफ फैली हुई है तो उसमें कॉपरेट करना है जिसकी जिसमें एक्सपर्टीज है वो उसमें हेल्प करेगा एक बात दूसरी बात क्या था कि जो गरीब देश है या विकासशील देश है उनको तीनों तरह की सहायता पहली बार साइंटिफिक असिस्टेंस चाहिए यानी कि जो खोज आपने की है उसका रिजल्ट शेयर करना उनको ये होता है साइंटिफिक असिस्टेंस टेक्नोलॉजिकल का क्या होता है आपने कोई मशीन बनाई है अगर है ना कोई आपने उपाय ढूंढा है वो शेयर करना और तीसरा क्या हो गया फाइनेंशियल मशीन बना तो बना के दे दी लो बना लो जा करके कहाँ से बनाएगा पैसा ही नहीं उसके पास तो क्या करना साथ में पैसा भी जैसे तो कोरोना वाला मामला हुआ था ना तो कोरोना में तीनों सहायता दी गई थी जैसे हमने वैक्सीन बना ली है अब एक तरीका क्या है हमने वैक्सीन बना ली हमसे खरीद लो आकर के आप दूसरा तरीका क्या है ये फार्मूला ये लो फार्मूला और जा करके बना लो कहेंगे फार्मूला दे दे हम बना थोड़ी पाएंगे क्योंकि वो तो है नहीं कि ईट बनानी है है ना बना लिया तो फिर हमको आप वैज्ञानिक भेजिए अपने यहाँ से हमें यार एक लैब भी बना दो हमारे यहाँ आकर के तो क्या बोलेंगे तुम एक काम करो तुमको हम दवाइयाँ फ्री में दे दे रहे हैं जैसे भारत ने दी थी ठीक है तो हर तरह की सहायता देना समझ में आई कोई कन्फ्यूजन वियना कन्वेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन फॉर द ओजोन लेयर डिप्लेशन ठीक है दूसरा जो इफेक्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम ओ एन टी आर ई ए एल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हिंदी में भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही होगा मॉन्ट्रियल लिख लेंगे कहां पर है मॉन्ट्रियल कौन बताएगा मुझे है दिल्ली में चलो क्या हाँ कैनेडा मेमोन्ट्रियल बॉर्डर पोर्ट स्टेट है बंदरगाह राज्य है लिखिए प्रपोज्ड इन 1987 प्रपोज्ड इन 1987 बाय यू बाय यू एन ई पी अंडर अंडर वियना कन्वेंशन हिंदी में लिखिए अंडर वियना कन्वेंशन वियना अभिसमय के अंतर्गत वियना अभिसमय के अंतर्गत यू एन ई पी द्वारा यू एन ई पी द्वारा उन्नीस सौ सतासी में प्रस्तावित सतासी में प्रस्तावित इसका मतलब यह हुआ 85 में वेना कन्वेंशन हो गया उसमें सबने तय किया कि हम ओजोन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे क्या काम करेंगे तो फिर जो वेना कन्वेंशन बना उसकी जो टीम बनी वो आगे रिसर्च करेगी उसके ऊपर उसने दो साल तक मेहनत करने के बाद फिर यह बनाया मॉन्टेल प्रोटोकॉल कि करना क्या है एक्चुअल में हमको समझ में आ रही मेरी बात कन्वेंशन एक समझौता हो गया हाँ हम सब बचाएंगे मिल करके ठीक है कैसे बचाएंगे वो बताएंगे वो फिर दो साल मेहनत की सबने रिसर्च किया उसके बाद एक प्रोटोकॉल बनाया यानी कि प्रोटोकॉल क्या होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप होता है प्रोटोकॉल ये करना है ये नहीं करना है इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं सुना होगा आप लोगों ने मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ करके क्या किया क्या किया सुना ही नहीं किसी ने अरे हाँ जाना कुछ तो बोलो हाँ प्रोटोकॉल तोड़ करके उनकी आगवानी की प्रोटोकॉल तोड़ करके पब्लिक में चले गए है ना तो प्रोटोकॉल होता है पीएम की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है कोई किडनैप करके ले जाए उसको बोल साइन कर दे इसके ऊपर तेरे देश ते पे हमला करना है मुझे है ना या साइन कर दे कि तो समझौता कर रहा है पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान हमारा भाई भाई है और पीएम में वो साइन कर देगा तो मान लिया जाएगा ठीक है हालांकि प्रोसेस होता है उसका ठीक है तो प्रोटोकॉल होता है एक नियम होता है आपको ये करना है ये नहीं करना है आप अपना पर्सनल फ़ोन नहीं रख सकते प्रधानमंत्री हैं वो फ़ोन रखा हुआ जेब में ट्रैक कर रहा है कोई है ना किसी को मैसेज भेजा हाय हेलो वो ट्रैकिंग हो रही कहीं और से फिर ठीक है तो सरकारी फ़ोन रहेगा उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा होगा वो सरकार डिसाइड करेगी किसी मिलने जा नहीं सकते अपने आप कहीं भी मिलने जा नहीं सकते अपने आप ठीक है नियम कानून तो ऐसे ही वियना कन्वेंशन को अप्लाई करने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया उसको क्या बोला गया मॉन्टेयल प्रोटोकॉल ठीक है दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें पहला हो गया प्रपोज वाला दूसरा हो गया एंड इंटर गवर्नमेंटल एंड इंटर गवर्नमेंटल गवर्नमेंट होती है उसी से बना है गवर्नमेंटल कंपल्सरी एग्रीमेंट कंपल्सरी अग्रीमेंट हिंदी में लिखिए एक अंत सरकारी अंत सरकारी बाध्यकारी समझौता अंत सरकारी बाध्यकारी समझौता यानी कि सरकारों के बीच समझौता हुआ है जो जो देश साइन करेगा उसकी सरकार इसके नियमों को मानने के लिए बाध्य है अगर नहीं मानेगी तो उसके ऊपर जो भी यहां पे नियम तय होंगे जुर्माना एक्शन वो किया जाएगा ठीक है तीसरा लिखिए ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ए मोंटेल प्रोटोकॉल के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य की बात कर रहे हैं ए लिखिए है, जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनकर लिखना है रिड्यूस इन कंजम्पशन रिड्यूस इन कंजम्पशन And uh, and finish the production. Finish the production of of ozone depletion substances. Ozone depletion substances. ब्रैकेट में ओडीएस कर लेना ब्रैकेट में ओडीएस कर लेना ब्रैकेट क्लोज आगे इसी में ब्रैकेट के बाद लिख लो इन स्टेप्स इन स्टेप्स इन ग्रेजुअल स्टेप्स सॉरी इन ग्रेजुअल स्टेप्स विद ग्रेजुअल टाइम विद ग्रेजुअल टाइम हिंदी में लिखो ओजोन क्षयकारी पदार्थ का ओजोन क्षयकारी क्षय मतलब होता है जो उसको खत्म करते हो क्षयकारी पदार्थ ब्रैकेट में लिखना है ओडीएस का, का चरणबद्ध चरणबद्ध एवं समय अवधि के साथ समयावधि के साथ खपत एवं उत्पादन के साथ खपत एवं उत्पादन में कमी कमी एवं समाप्त करना में कमी एवं समाप्त करना इसका मतलब हो गया खपत का मतलब क्या होता है खपत या उपभोग इसका मतलब मतलब क्या होता है? हाँ, उसी का मतलब पूछ रहा हूं हाँ, यूज करना ठीक है तो इसमें क्या बोला है? ऐसे सब्सटेंसेस ऐसे पदार्थ जो ओजोन को क्या करते हो जो ओजोन को कंज्यूम करते हो हाँ जो ओजोन को खत्म करते हो ओजोन को जो नुकसान पहुंचाते हैं ठीक है थीके? ऐसे पदार्थों का पहले धीरे धीरे उनकी खपत कम करना उनकी कंजम्पशन कम करना है ठीक है अचानक बंद तो कर नहीं सकते हैं कल तक सब जगह थल था आज बंद एकदम झटके से बंद कर देंगे तो देश ठप पड़ जाएगा ठीक है ना तो धीरे धीरे क्या करना है पहले उसका कंजम्पशन कम करना है लोगों को हैबिट डालनी है कम करने की और फिर एकदम बंद कर देना ये काम अगले दस पंद्रह बीस पच्चीस सालों में सरकारें प्लान करके करें तो सरकार क्या करती है जिस चीज को कम करना होता है यूज कम करवाना होता है उससे कीमत बढ़ाना शुरू कर देगी उस पर टैक्स लगाना जैसे पेट्रोल है ना तो लोग धीरे धीरे भागने लग जाएंगे उससे बचने लग जाएंगे लोग ऑप्शन ढूंढ लेंगे कुछ और जो ज्यादा फायदेमंद हो ऑल्टरनेट ढूंढ लेंगे ठीक है समझ में आई बात ठीक है तो जो ओडीएस थे कुछ जैसे सी एफ सी लिख लो इसी के नीचे क्लोरो फ्लोरोबन सी एफ सी ठीक है कभी एक टाइम था जब फ्लोर फ्लोर खूब यूज होता था पहले आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा नहीं देखा होगा पहले एक हेलोजन लाइट्स आया करती थी गुब्बारे जैसी वो चीज़ होती थी उसको आप लगाओ थोड़ा सा प्रेस करो और जलने लगती थी वो ठीक है कुछ दिन तक चलती थी और फिर बंद हो जाती थी वो ठीक है इसी प्रकार जो हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं रेफ्रिजरेटर्स होते हैं अलग अलग और जिसके अंदर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ होता है ऐसी मशीन्स जितनी भी होती हैं है ना एसी होते हैं तो उसके अंदर सी एफ सी फ्योन्स एच एफ सी बहुत बड़ी मात्रा में यूज होते थे सरकार का धीरे धीरे कम करना है इनको जो स्टार रेटिंग वाला सिस्टम भी आया उसके बाद ही आया रेटिंग वाला कि कौन सा फ्रिज कितना नुकसान करती है प्लस में कितनी बिजली यूज कर रही है बिजली बचाना मोटिव कभी भी नहीं था वो तो उसके एक बाई प्रोडक्ट है उद्देश्य क्या था कि सेफ फ्रिज बनने शुरू हों जो कम से कम नुकसान करते हैं एनवायरमेंट को ठीक है तो ज़्यादा स्टार रेटिंग वाला हो तो आप वही लोगे पहले ही यार बिजली कम बचा कम खर्च करता है ये ठीक है तो आप अपना फायदा देख रहे हो सरकार अपना फायदा देख रही है कि इसके अंदर सी एफ सी नहीं लगा हुआ है तो नुकसान नहीं करेगा किसको एनवायरमेंट को ठीक है तो ऐसे जो पदार्थ है उनका उत्पादन धीरे धीरे बहुत कम कर दिया गया है हमारे देश के अंदर पूरा बंद हो गया ऐसे तो नहीं कह सकते बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ती ही पड़ती है उसके बना चल नहीं सकता वहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग बाकी हमने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है समझ में आई ये वाली बात कोई कन्फ्यूजन नेक्स्ट लिखिए ये दो बातें हो गई पहला हो गया वियना कन्वेंशन दूसरा हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तीसरा लिखो किगाली अग्रीमेंट कि आई जी एल आई किगाली अग्रीमेंट किगाली कौन बताएगा ठीक <laughs> है एक कंट्री है रवांडा ठीक है वहां पर है किगाली लिख लो Uh, proposed proposed in two thousand sixteen. Proposed in two thousand sixteen. In the conference of in the conference of Vienna Convention and Montreal protocol. In the conference of Vienna Convention and Montreal प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइज इन किगाली ब्रैक में लिख लो रवांडा रवांडा शहर आपको ये आ, तंजानिया के ऊपर और युगांडा के नीचे दिखाई देगा छोटा सा देश है हाँ इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइज इन किगाली रवांडा देश का नाम रवांडा है किगाली उसकी राजधानी हिंदी में लिख लीजिए वर्ष 2016 में वर्ष 2016 में रवांडा के किगाली शहर में रवांडा के किगाली शहर में शहर में वियना अभिसमय वियना अभिसमय एवं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एवं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सम्मेलन में प्रस्तावित के सम्मेलन में प्रस्तावित के सम्मेलन में प्रस्तावित अब जो वियना कन्वेंशन हुआ था मोन्टल प्रोटोकॉल था हर हर साल सम्मेलन होता है उनका कि भाई हमने क्या क्या किया क्या और करना है तो 2016 में क्योंकि 1987 के अंदर हुआ था मोन्ट प्रोटोकॉल 2016 कितना टाइम गैप हो गया हाँ कितना मोर देन ट्वेंटी फाइव ईयर्स है ना एक क्वार्टर सेंचुरी से ज़्यादा का टाइम हो गया तकनीक बदल गई लोगों का लाइफ स्टाइल बदल गया दुनिया की इकोनमी चेंज हो गई थी तो मॉन्टेल प्रोटोकॉल के अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत लग रही थी क्योंकि एटी सेवन में तय किया था हमने कि हम ओडीएस को कम करेंगे तो उसको अपडेट करने की जरूरत थी उसको अपडेट करने के लिए किगाली के अंदर नया प्रोटोकॉल लेकर के आए हम ठीक है समझ में आई मेरी बात ठीक है लिखो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ए या पहला उद्देश्य लिखिए प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ एच एफ सी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ एच एफ सी एच एफ सी की फुल फॉर्म वो तो सी एफ सी था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सी के बाद लोगों ने एच यूज करना शुरू कर दिया ठीक है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ एच एफ सी रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड टू एटी फाइव परसेंट टिल टू थाउजेंड फिफ्टी हिंदी में लिख लो दो हजार पचास तक वर्ष दो हजार पचास तक एच एफ सी के उत्पादन एवं खपत एच एफ सी के उत्पादन एवं खपत को पिचासी प्रतिशत तक कम करना तक कम करना यह पहला उद्देश्य था अब इससे अच्छा आप बोलो ये हंड्रेड परसेंट क्यों नहीं लिखा है इन्होंने? सौ so, क्यों नहीं लिखा हाँ हो नहीं सकता पहली बात प्रैक्टिकल नहीं होता है वो क्योंकि बहुत बार बहुत से जगहों पर आपको जरूरत पड़ती है उसकी जो इमरजेंसी है दूसरा क्या होता है कि आपने कोई चीज़ अस्सी पचासी परसेंट खत्म दी उसकी मार्केट ख़त्म हो जाती है लोग अपने आप उसको यूज करना छोड़ देंगे या कम कर देंगे जिसको बहुत ही जरूरत होगी सरकारी तौर तो पर या एकदम बड़े जगहों के लिए फिर खाली वही बनवाएगा वही यूज करेगा अलग से उसको तो नॉर्मल यूज अपने आप ही उसका ख़त्म हो जाता है जैसे नोकिया है ना या नॉर्मल जो कीपैड वाले फ़ोन है अब उसको बंद नहीं किया किसी ने अपने आप मार्केट से क्या हो गए वो गायब हो गए पहले रील वाले कैमरा जाते थे है ना देखे होंगे आप लोगों ने या नहीं भी देखे होंगे ऐसा भी हो सकता है उस पर रील लगती थी बाकायदा एक बार में आप साठ पैंसठ फोटो ही खींच सकते थे अब एक फ़ोन में एक बार में लोग एक जगह पर पचास सेल्फी ले डालते हैं होता है ना ऐसा ठीक है तो सेम वैसे ही यहाँ पर तरीके समझिए आपको कल को पॉलिसी मेकिंग करनी है कल को आप लोग कलेक्टर वगैरह बन जाएंगे तो नीति बनानी होगी तो दोनों बातें लिखिए पहला काम के खपत कम कराना पहले आप बोलोगे कल से बंद बैन लोग आपकी खाल नोच लेंगे वर्दी फाड़ देंगे आपकी यह हाल हो जाएगा है ना जिले के अंदर के बोलो कल से बस कोई भी गुटखा नहीं खाएगा बैन कर दिया हमने है ना फिर देखिए क्या हाल होता है आपका तो तरीका क्या है आप पहले उसका उत्पादन कम करवा दीजिए जब बनेगा ही कम तो मार्केट में जाएगा भी कम तो लोग अपने आप ही क्या कर देंगे धीरे धीरे लेना कम कर देंगे तो पहला उद्देश्य क्या है उत्पादन कम करना धीरे धीरे खपत कम होती चली जाएगी ग्रेजुअली ये काम करना होता है ठीक है चलो दूसरा उद्देश्य ऑब्जेक्टिव दूसरा टू स्टॉप द टू स्टॉप द इंक्रीजिंग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू स्टॉप द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ वेरी सॉरी एवरेज जोड़ लीजिएगा एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ टिल 0.5 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस पृथ्वी के औसत तापमान वृद्धि को जीरो पॉइंट पांच डिग्री सेल्सियस पर रोकना जीरो पाँच पॉइंट पांच डिग्री सेल्सियस पर रोकना जीरो पॉइंट पांच डिग्री सेल्सियस रोकना ठीक है और थर्ड ऑब्जेक्टिव वही है कॉमन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक असिस्टेंस किसके द्वारा किसको वो आपको पता है लिख लो जो पहले लिखा था हम लोगों ने वियना कन्वेंशन में क्लियर हो गया तो जो टेम्परेचर हम लोग डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक पर रोकने की बात कर रहे थे एक डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है बीसवीं शताब्दी के अंदर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में उसको केवल कितना बढ़ने देना आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ने देना ये तब टारगेट चल रहा था अब तो हाल क्या है कि एक डिग्री और बढ़ जाएगा यानी कि ओवरऑल आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन पृथ्वी का औसत तापमान दो डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना ही है अगर दो डिग्री बढ़ गया तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे ठीक है पृथ्वी का औसत तापमान जो पिछला चल रहा था टिल द इंडस्ट्रियलाइजेशन साढ़े पंद्रह डिग्री सेल्सियस चल रहा है एवरेज टेम्परेचर ऑफ़ द अर्थ उसको हमें साढ़े सोलह से ऊपर नहीं जाने देना था ऐसा टारगेट सबने लिया था अब ऐसा इस सेंचुरी के लास्ट तक यानी कि इक्कीस तक आज से अभी दो क्या चल रहा है चौबीस तो लगभग छिहत्तर साल बाद तक ठीक है ना पता नहीं आप में से कितने लोग रहेंगे उस टाइम तक मतलब मैं तो रहूँगा मेरी एज बहुत ज़्यादा है ठीक है ना आप लोगों का पता नहीं मुझे मेरी उम्र ही क्या हुई है अभी ठीक है तो समझ आई बात तो ऐसा टारगेट किया सारे टारगेट लंबी सेंचुरी के होते हैं सौ साल के पचास साल के ठीक है ना तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो लोग समझौता करते हैं उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती देखेगा मेरे बाद वाला ठीक है चलो तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ये एग्रीमेंट्स है किसके लिए हैं ओजोन लेयर डिप्रेशन बचाने के लिए ठीक है मेन है वियना कन्वेंशन उसी के अंतर्गत बाद में हुआ मॉन्टेल प्रोटोकॉल उसका अपडेट वर्जन था केगाली एग्रीमेंट कोई कंफ्यूजन यहाँ पर किसी को ठीक है एक सवाल मैं पूछता हूं वैसे आपके मन में आना चाहिए था साउथ पोल पर ही क्यों हो रहा है ओजोन होल अंटार्कटिका में क्यों हो रहा है अंटार्कटिक आर्कटिक में क्यों नहीं हो रहा है नॉर्थ पोल में क्यों नहीं हो रहा है क्या लगता है भाई दो पोल है ना पृथ्वी के तो यहीं पर क्यों हो रहा है सब काम ओजुन होल वगैरह यहाँ क्यों नहीं बन रहा ओजुन होल सवाल मान लो आ गया तो क्या करोगे क्योंकि पूछ लो तो क्या करोगे लगाओ दिमाग खर्च करिए थोड़ा सा क्या लगता है बिलाल क्या हो सकता है अरे इधर बताना है मुझे बताओ मुझे बताओ हाँ हसने वाला कौन सा कारण है इसमें चलो तो जो दो मैंने आपको स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस बताई थी कौन कौन सी पोलर वर्टेक्स और ध्रुवीय मंडलीय बादल पोलर स्टेटस्फेरिक क्लाउड ये दोनों ही कंडीशन जो होती हैं ये नॉर्थ पोल पर ना के बराबर या बहुत कम टाइम के लिए बनती हैं जबकि साउथ पोल बहुत लंबे टाइम के लिए बनती हैं अब बोलोगे ऐसा क्यों होता है तो साउथ पोल अपने आप में कॉन्टिनेंट है वो जमीन का टुकड़ा है बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ये कॉन्टिनेंट नहीं है ये खाली एक पानी है मैक्सिमम। कुछ रीजन्स है यहाँ पे ग्लेशियर्स से ठीक है तो कॉन्टिनेंट है तो उसका अपना मौसम होता है जबकि वाटर रीजन का अपना अलग मौसम होता है ठीक है तो जो दोनों कंडीशन है वो यहां पर या तो नहीं बनती है या बहुत कम टाइम के लिए बनती है उसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता दूसरा यहां पर कॉन्टिनेंट नहीं है जबकि यहां पर पूरा अपने आप में ये कॉन्टिनेंट है ठीक है चलो बड़े आगे नेक्स्ट सब हेडिंग दो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये ओजोन वाला चैप्टर पूरा हो गया ओजोन वाला अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो हमने कर लिया है अगला लिखिए हरित ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट बताओ जी क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए बहुत बचपन में पढ़ा होगा आपने अब बोले से बचपन चला के हम तो बड़े हो गए अब एटमोसफेयर में हार्मफुल क्रसिस का बढ़ जाना ठीक है और समझाइए थोड़ा सा समझ में नहीं आया अच्छा कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है आप लोगों ने इसे हाउस क्यों बोलते हैं ग्रीन क्यों बोलते हैं बहुत बेसिक कभी देखा है ग्रीन हाउस आप लोगों ने कभी देखा है ग्रीन हाउस देखा है कभी नहीं देखा खेतों के अंदर बने हुए होते हैं हाँ ग्लास हाउस देखा है ग्लास हाउस कांच घर देखा है हाँ या ना क्या पॉली हाउस देखा है अच्छा ठीक है तो बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अच्छा कार देखी आप सबने है ना देखिए ना बाहर उतरना भी दिख जाएगी बहुत सारी ठीक है तो बेसिकली कई बार क्या होता है कार अगर आप बाहर खड़ी करो धूप में दिन में ठीक है दो घंटे खड़ी है और फिर उसके बाद आप खोल के उसके अंदर बैठो तो क्या होता है तंदूर बन जाती है कार होती है ना इतनी गर्म हो जाती यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट ठीक है इसका मतलब इन जनरल ये शब्द आया कहाँ से खेती में यूज करते हैं इसका अगर कोई वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए वहाँ पे हम कांच का घर बना देते हैं खेत के अंदर ही हमने ग्लास कवर्ड एरिया बना दिया उसमें क्या होगा बाहर से तापमान आएगा लेकिन वापस नहीं जा पाएगा तो अंदर गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी ठीक है इसे कहते हैं ग्रीन हाउस या कांच घर कार में यही तो होता है टेम्परेचर आ तो रहा है लगातार अंदर से बाहर नहीं जा रहा जब हम गाड़ी को खोलेंगे बाद में या हम उसमें ए चलाएंगे वेंट चलाएंगे तब जा करके वो होगा सेम अर्थ के साथ भी होता है ऐसी गैसेस जो टेम्परेचर को आने देती हैं लेकिन बाहर जाने अगर वो बढ़ती चली जाएंगी तो क्या होगा अर्थ क्या बन जाएगा कार ठीक है ये काम सबसे ज़्यादा कौन करता है कार्बन वो जरूरी है उस काम का होना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है रात में पृथ्वी ठंडा गोला ना बन पाए इसलिए दिन में हमको मिल रही है धूप ठीक है मैंने पढ़ाया था आपको बाकायदा ये सारा चीज़ जब हम लोगों ने सोलर एल्बिडो पढ़ा।, पढ़ा था ठीक है ना सूर्य तब पढ़ा था तब पढ़ा था हमने उसको तो दिन में हमको धूप मिल रही है पृथ्वी ने उसको ऑब्जॉर्व कर लिया ठीक है ना जो सॉलिड बॉडी है उसने उस गर्मी को ऑब्जॉर्व कर लिया रात में वापस छोड़ती है उसको ठीक है दिन में जो रेडिएशन आई शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आई जिसको हम कहते हैं सोलर रेडिएशन रात में जाएगी तब लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में लेकिन रात में जो गैसेस का कवर है हमारे चारों तरफ जिसको हम लोग वायुमंडल या एटमोस्फेयर बोलते हैं वो उनको आपस में क्या कर रोक लेता है तो उससे क्या होगा अर्थ रातें बहुत ठंडी नहीं हो पाती है यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है लेकिन जब वही गैसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जो बिल्कुल ही बाहर ना जाने दें सारी ही गर्मी रोक लेंगी तो पृथ्वी क्या हो जाएगी गैस चैम्बर बन जाएगी तंदूर बन जाएगी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ऐसी गैसेज जो ये काम करती हैं अगर वो बढ़ती चली जाएंगी तो नुकसान होगा हमको इन नॉर्मल ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ठीक है नेचुरली होता है बहुत जरूरी प्रोसेस है लेकिन लिमिट से ज्यादा होगा तो नुकसान करते हैं हमको ठीक है आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए हाँ या ना ठीक है क्लियर है ठीक है जी लिखो लिखिए इन एटमोसफेयर इन एटमोसफेयर ग्रीन हाउस गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्व द लॉन्ग वेव्स एब्जॉर्व द लॉन्ग वेव्स एंड मेक अर्थ वार्मर कॉमा दिस प्रोसेस इज दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट वायुमंडल में हरित ग्रह गैसे हरित ग्रह गैसे दीर्घ तरंगों को दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं अवशोषित कर लेती हैं ये प्रक्रिया अवशोषित कर लेती हैं और पृथ्वी को गर्म बनाए रखती हैं ये प्रक्रिया ये प्रक्रिया हरित ग्रह प्रभाव कहलाती है ये हमारी धरती है इस पर कौन सी रेडिएशंस आती है सोलर किस फॉर्म में आती है शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में ठीक है दिन में इसने अर्थ को गम किया रात में क्या होता है यही रेडिएशंस वापस जाती है जाने वाली को हम लोग क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हिंदी में क्या बोलते हैं पार्थिव विकिरण किस फॉर्म में जाती है बोलो ना लॉन्ग वेव्स लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में यानी कि दीर्घ तरंगों के फॉर्म में अब यहां पर क्या होता है यहां पर ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो क्या कर लेंगी इसी लॉन्ग वेव्स के टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व कर लेंगी और पृथ्वी के बाहर एक कंबल जैसा कवर बना देंगी ताकि पृथ्वी एकदम ठंडी ना होने पे ये बहुत जरूरी है ठीक है लेकिन जब यही गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो जितना रोकना चाहिए उससे ज़्यादा रोकने लग जाएंगी और फिर जो गंबल था वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा ठीक है तो टेम्परेचर हवा जाए बन जाएगा वो फिर कई रजाइयां बन जाएगा तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा इसको बना लो ताकि ध्यान में रहे बना लिया सबने yes, जल्दी yes, पता नहीं yes, ये मुझे बोलना था नहीं <laughs> जो तुमने बोला वो मुझे बोलना था ठीक है तो जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाएगी इसका जो इंपैक्ट होगा दैट इज नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग तो अगली लाइन में लिखिए ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ द इंक्रीजिंग नहीं क्या सेंटेंस क्या बनेगा एक मिनट रुको हा लिख लो इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग हिंदी वाले विद्यार्थी भी लिख लें हरित ग्रह प्रभाव के कारण हरित ग्रह प्रभाव के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि क्या कहलाता है तो हाँ वैश्विक तापन कहलाता है वैश्विक तापन कहलाता है थक गया मैं अब ठीक है तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंपैक्ट है किसका ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक्टिविटी क्या हो रही है प्रक्रिया क्या हो रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट ये प्रोसेस हो रहा है उसका असर क्या है ग्लोबल वार्मिंग लगातार ग्लोबल वार्मिंग जब होगा उसका असर फाइनली क्या होगा क्लाइमेट चेंज के रूप में ठीक है ये कंफ्यूजन एकदम साफ रखिएगा नेक्स्ट लाइन अब चेंज द पॉइंट उसमें लिखिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जी डब्ल्यू पी हिंदी में लिखिए वैश्विक तापन क्षमता वैश्विक तापन क्षमता हिंदी वाले बच्चे अंग्रेजी टर्म भी लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा वैश्विक तापन क्षमता ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जी डब्ल्यू पी इसका मतलब अलग अलग गैस की अलग अलग क्षमता होती है ग्लोबल वार्मिंग करने की यानी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को बढ़ाने की ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने की ठीक है सारी गैसें एक जैसा जैसे किसी की क्षमता पढ़ने की आपकी बहुत ज़्यादा होगी किसी की कम होगी दस पन्ने पढ़ने हैं किसी ने दो घंटे के अंदर पढ़ लिए किसी को हो सकता है कि पूरा दिन भी कम पड़े ऐसा भी हो जाता है हो जाता है ना ऐसा ठीक है ये पोटेंशियल सबका अपना अपना होता है उसमें कोई अच्छा बुरा ऐसा नहीं है सेम ऐसे ही अलग अलग गैसेज का अपना अपना पोटेंशियल है क्यों कितना नुकसान कर सकती है हमको या कितना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट वो कर सकती है ठीक है उसे हम क्या कहते हैं जी डब्ल्यू उसके अकॉर्डिंगली जिस गैस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी उसको हम बहुत ज़्यादा रोकेंगे जिसका पोटेंशियल कम होगा उसे हम कम फोकस करेंगे ठीक है तो उसके आगे लिख लो यहाँ पर जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है देखिए ऊपर लिखो ग्लोबल वार्मिंग बाय वन टन जी एच जी एक टन जी एच जी द्वारा वैश्विक तापन एक टन जी एच जी इसका मतलब ध्यान रखने बाबा बताऊंगा नहीं मैं द्वारा वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग बाय वन टन जी एच जी एक टन GHG द्वारा वैश्विक तापन बटे में अपॉन ग्लोबल वार्मिंग बाय वन टन सीओ टू अपॉन में बाकी सब पूरा ही होगा जहां पर सीओ टू एड हो जाएगा बस अपॉन वैश्विक तापन हो गया पूरा अब आप बोलोगे ये कैसे हो जाएगा है ना क्योंकि सी ओ टू भी तो कर तो रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट ही तो कर रही है तो बस मुद्दे की बात ये है कि ओवरऑल जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो रहा है बाकी गैसेज से सी ओ टू उससे कई गुना ज़्यादा कर रही है ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इसका पोटेंशियल बहुत पोटेंशियल बहुत कम है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है ठीक है ये नुकसान बहुत कम करती है लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है हमारे पास ठीक है तो जैसे जहर जहर का एक बूंद भी काम करता है करता है ना ठीक है अब चाहे आप वो चाय में लो चाहे दूध में, में लो चाहे खीर में लो काम तो करेगा वो ठीक है फ़िनाइल कम काम करता है ठीक है ना फ़िनाइल से मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन आप लगातार फ़िनाइल पीते रहो सुबह फ़िनाइल दोपहर फ़िनाइल शाम को फ़िनाइल तो क्या होगा तो एक एक अंग आप पे काम करना बंद कर देंगे फिर ठीक है ना अल्टीमेटली डेथ हो ही जाएगी सेम विद यहाँ पर CO2 टू जहर नहीं है फिनाइल है लेकिन बहुत ज़्यादा फिनाइल है हमारे पास लगातार फिनाइल 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 समझ में आ गई मेरी बात ठीक है तो अभी अलग अलग गैसेज का अपना अपना जी डब्ल्यू पी है ठीक है तो कुछ इंपॉर्टेंट गैसेज का लिख लीजिए लिखो जी डब्ल्यू पी सी ओ टू इज इक्वल टू जी डब्ल्यू पी गैस का नाम इज इक्वल टू ऐसा करके जी डब्ल्यू पी सी ओ टू इज इक्वल टू वन सी ओ टू कितना है एक जी डब्ल्यू पी एन टू ओ नाइट्रोजन ऑक्साइड एक सौ अट्ठानबे वन नाइनटी एट जी डब्ल्यू पी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी कि जितना हमको कार्बन डाइऑक्साइड नुकसान करती है उससे एक गुना ज्यादा हमको क्या नुकसान करेगा एन ठीक है क्लियर होगी बात क्लियर हुआ क्या बताओ क्या क्लियर हुआ हाँ कितना ज्यादा नुकसान करेगा एक सौ अट्ठानवे गुणा ज्यादा नुकसान करेगा ठीक है अगला लिखो GWP सी एच फोर इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रेम से मीथेन बिल्कुल करेक्ट जी डब्ल्यू पी सी एच फोर जी डब्ल्यू पी सी एच फोर जिसको मीथेन कहा जाता है ट्वेंटी फोर चौबीस यानी कि ये सीओ टू से चौबीस गुना ज्यादा नुकसानदायक है सबसे खतरनाक नेक्स्ट लिखे जी एच एफ सी हाइड्रोफ्लोरोबन एच एफ सी चौदह हजार आठ सौ वन फोर एट डबल जीरो वन फोर एट डबल जीरो कुछ रह गया तो ये एच एफ सी ये सीधा जहर है एकदम ठीक है एक बूंद अगर चख लिया आपने तो बस बस ये फायदा है कि बहुत कम है बहुत कम अवेलेबल है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम नुकसान करती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा है सब जगह वही है ठीक है तो अगर उसकी क्वांटिटी हमने कम नहीं की तो हमको मार देगी वो है ना? नई बार देखा है आप लोगों ने कि आदमी ज़्यादा खाने से मर जाता है देखा है जो गरीब होता है वो कम खाने से मरता है अमीर क्या होता है हाँ वो ज़्यादा खाने से मरता है शुगर बीपी है ना चलो शांत समझ में आई वाली बात ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब ये है कि कोई भी गैस कितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेगी ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड का पोटेंशियल बाकी सबसे बहुत 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 कम है लेकिन इसकी क्वांटिटी यानी इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें कंट्रोल किसको करना है कार्बन डाइऑक्साइड को बाकी सब भी कंट्रोल कर रहे हैं हम ठीक है पर उसका यूज बहुत कम बचा हुआ है अब उसका उपयोग बहुत कम रह गया है तो उस पर उतना फोकस नहीं है हमारा हमारा बड़ा फोकस कहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड अभी जो किगाली वाला एग्रीमेंट था उसमें हमने एच डाला हुआ था ना क्योंकि उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो उसको रोका जा रहा है उसके थ्रू हम लेकिन जो नॉर्मली सब जगह हम लोग बर्न कर रहे हैं कार्बन 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 बर्न कर रहे हैं सांस ले रहे हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड है गाड़ी चलाएंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है ना आप अगर परफ्यूम यूज़ करेंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड है पता है आपको आपको जो परफ्यूम यूज़ करते हैं आप कोई भी चीज़ जो सिलेंडर के अंदर होती है जो सप्रेस हो के बाहर आती है उससे आप एनवायरमेंट को नुकसान कर रहे हैं ठीक है तो एक कंट्रीब्यूशन तो आप लोग कर ही सकते हो कि तो मर्जी है आपकी परफ्यूम हो गया शेविंग जेल जो होते हैं जो स्प्रे के अंदर होते हैं वो सब नुकसान करते हैं एनवायरमेंट को ठीक है उसमें गैस डालनी पड़ती है तब जा करके वो प्रॉपर प्रेशर से बाहर आता है ठीक है तो नुकसान करता है तो उसका यूज़ करना बंद कर सकते मैं परफ्यूम यूज़ नहीं करता हूँ बिल्कुल भी ठीक है ना बहुत अच्छी बात है चलो समझ में आ गया पोटेंशियल वाली बात कोई कंफ्यूजन किसी को पीछे बहुत बधाइया चलो तो अब भाई शांत एकदम शांत अब हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात पूरी करने वाले हैं मतलब मेन बात उसकी करने वाले हैं अभी हमने तीन चीजों की बात की पहले बात की हमने ओजोन की बात की है फिर हमने बात की किसकी ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की फिर हमने बात की किसकी ग्लोबल वार्मिंग की बात की अब इन सब का फाइनल जो रिजल्ट है जो दिख रहा है वो क्या होगा क्लाइमेट चेंज ठीक है चलो तो लिखिए क्या होता है क्लाइमेट चेंज डेफिनेशन बताइए एक लाइन में जो बताया था आपने लिख लो चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एटमोस्फेरिक प्रेशर हिंदी में लिखते रहिए वैश्विक तापन के कारण वैश्विक तापन के कारण जलवायु कारकों जैसे तापमान टेम्परेचर एटमोस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब कॉमा रेन रेन प्रेसिपिटेशन लिखो कॉमा प्रेसिपिटेशन वर्शन मैं रिपीट कर रहा हूं चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर एटमोस्फेरिक प्रेशर प्रेसिपिटेशन इट इज सी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इज कॉल्ड या नॉन एज क्लाइमेट चेंज हिंदी में बोल दे रहा हूं दोबारा से मैं वैश्विक तापन के कारण जलवायु कारकों जैसे तापमान वायुमंडलीय दाब वर्षण आदि में होने वाले परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं जलवायु परिवर्तन कहते हैं फुल स्टॉप। जैसे आप लोगों ने फील किया होगा कि इंडिया के अंदर भी जो साइकिल है बारिश का ठंडी का गर्मी का उसके अंदर बदलाव आ गया है है ना हाँ इस बार तो अच्छा कैसे अच्छा ठीक है तो चेंज होता है साइकिल इसी प्रकार उसका असर फसलों पर दिख रहा है हमको कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा कहीं पर बहुत कम तो ये सब फाइनल रिजल्ट है किसका ग्लोबल वार्मिंग का हाई प्रेशर लो प्रेशर बिगड़ना शुरू हुआ एयर सर्कुलेशन बिगड़ना शुरू हुआ उसके कारण फिर बारिश के अंदर बदलाव आ गया ऐसा ठीक है इंपैक्ट प्रभाव किसके इंपैक्ट हाँ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज अब वैसे ये मुद्दा है इस पर आपने बहुत कुछ लिखा पड़ा हुआ होगा आप लोग खुद भी बता सकते हो है ना बता सकते हो ना एक, एक पॉइंट बोलते जाओ लिखते जाओ पहला प्रभाव कोई बताइए चलो लिखो नंबर वन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स गंभीर मौसमी घटनाएं इवेंट्स कंडीशंस कुछ भी हो सकता है गंभीर मौसमी घटनाएं जैसे बाढ़ सूखा हीट वेव साइक्लोन है ना लिख लो जैसे चक्रवात बाढ़ एवं सूखा हीट वेव ठंड होगी तो भयंकर ठंड होगी गर्मी होगी तो भयंकर गर्मी होगी बारिश होगी तो बहुत तेज बारिश हो रही है सूखा है तो ऐसा सूखा है कि पूछो ही मत एक ही देश है अमेरिका वहां पर पैरलिस बार एक साथ ऐसा हुआ है कि उसी अमेरिका के एक तट पर भयंकर टेम्परेचर 45 डिग्री प्लस का टेम्परेचर और दूसरे तट पर बहुत ज्यादा बारिश तो एक ही देश में एक ही टाइम पर सेम चीज देखने को मिल रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ठीक है दूसरा इंपैक्ट ऑन मॉनसून मानसून पर प्रभाव, मॉनसून पर प्रभाव डैश करके लिख लो इसका असर क्या होगा मानसून पर प्रभाव होने से तो पहला फूड प्रोडक्शन प्रभावित हो जाएगा लिख लो खाद्य उत्पादन पर प्रभाव डैश करके लिख लो खाद्य उत्पादन प्रभावित इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन और कॉमा करके वहीं लिख सकते हैं उसका असर क्या होगा लो फूड सप्लाई है ना खाद्य आपूर्ति में कमी प्रोडक्शन लो हो गया अनाज कम है हमारे पास अब भारत में 140 करोड़ लोग हैं अगर रोज आपको दो ब्रेड भी खानी है सुबह उठ करके एवरेज मान करके चल रहे हैं तो कितनी ब्रेड चाहिए हमको दो अरब अस्सी करोड़ ब्रेड चाहिए हमको है ना उसके लिए फिर क्या चाहिए गेहूँ चाहिए होगा अब गेहूँ कम हुआ इस साल अच्छा चलो हमारे यहाँ कम हुआ तो कोई बात नहीं मंगा लेंगे पड़ोस से पड़ोस में और भी कम हुआ ऐसा मान लो जैसे अभी यूक्रेन का वॉर छिड़ गया अब हम गेहूँ मंगाते थे बड़ी मात्रा में कहाँ से यूक्रेन से क्योंकि तो वो स्टेपी रीजन है वहाँ का स्टेपी रीजन में गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है वहाँ का वीट बाउल था वो यूरोप का यूक्रेन अब वहाँ युद्ध छिड़ गया तो वहाँ से गेहूँ नहीं आ पाया हालत हमारे यहाँ ख़राब हो गई समझ आ रही बात नेक्स्ट इंक्रीज इन ओशियन लेवल या इंक्रीज ऑफ ओशियन लेवल समुद्र स्तर में वृद्धि समुद्र स्तर में वृद्धि जो उसका सरफेस है समुद्र का वो ज्यादा बढ़ जाएगा क्यों बढ़ जाएगा हाँ तो आगे लिख लो डैश करके डैश करके लिख लीजिएगा ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस ध्रुवीय बर्फ एवं हिमनदों का पिघलना ध्रुवीय बर्फ एवं हिमनदों का पिघलना अब जो मैं आपको मेजर हेडिंग्स लिखा रहा हूं ये तो मेन इम्पैक्ट है उसके अंदर बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे जैसे ये पिघलेंगे लेवल बढ़ गया इससे कारण क्या होगा बहुत सारे शहर डूब जाएंगे अब जो वहाँ लोग रह रहे होंगे उन शहरों के अंदर वो लोग क्या करेंगे माइग्रेट करेंगे फिर वो तो माइग्रेशन बढ़ेगा बेरोजगारी बढ़ेगी क्राइम बढ़ेगा सब कुछ चीजें उसकी होंगी चाहो तो डैशल लिख भी लो ठीक है समर्जेंस ऑफ सिटीज एंड आइलैंड्स द्वीपों एवं शहरों का डूबना द्वीपों एवं शहरों का डूबना और उसी में कॉमा करके लिख लीजिए एक बहुत अच्छा टर्म चलता है शब्द चलता है क्लाइमेट माइग्रेशन स्लैश रिफ्यूजी हिंदी में लिख लो जलवायु प्रवास स्लैश शरणार्थी रिफ्यूजी क्या होता है सुना रिफ्यूजी वर्ड आप लोगों ने क्या होता है जी हाँ जो कहीं और शरण लेते हैं मेरा देश ये वाला है पर मैं कहीं उनको रिफ्यूजी कहा जाता है अपना देश कोई जिनके पास नहीं होता ठीक है तो ये, ये जो रिफ्यूजी बनेंगे ये सारे होंगे क्लाइमेट रिफ्यूजी होंगे उनका देश था हरा भरा देश था खूब पैसा था उनके पास सब खत्म हो गया क्यों खत्म हो गया उनका देश पूरा डूब गया तो रिफ्यूजी बन गए अब यही लाखों लोग बन जाएंगे तो क्या होगा कहीं तो जाएंगे वो लोग है ना कुछ तो करेंगे वो लोग ये समस्या खड़ी होगी चलो बाकी डिस्कशन कल इसका जो इम्पैक्ट है ये आप लोग और पॉइंट्स लिख करके लाएंगे सब जगह इजीली अवेलेबल है मेजर मेजर हेड सात आठ इम्पैक्ट लिख करके लाना है हम लोग इस पर कल नियमों की बात करेंगे और इंडिया ने क्या क्या किया है इस सब की बात करेंगे ठीक है जी धन्यवाद